कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा यार बात तो 6:30 बजे की हुई थी, 7:07 पे क्यों शुरुआत की इन लोगों ने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कभी कभी जो तकनीकी होती है हमारे लिए बहुत अच्छा काम करती है, और कभी कभी तकनीकी जो होती है हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रही होती है। सो वी वर डीलिंग विद द सेकेंड प्रॉब्लम एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कुड नॉट मेक इट लाइव ऑन टाइम, बट यस नाउ वी आर बैक अगेन। थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टीज हो सकती हैं, बट एज आई सेड लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये जो लाइव सेशन है, 12वां एपिसोड है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। विल बी टॉकिंग टू आवर स्पेशल गेस्ट, और साथ में मैं आपको थीम जो है हमारी आज के इस 12वें एपिसोड की वो बताना चाहूंगा। तो हमारी आज की थीम है मेरा भारत मेरी शान। जी हाँ, जो हमारा देश है भारत एक बड़ा ही महान देश है और बड़ी विविधताओं से भरा हुआ देश है। दिस कंट्री इज सो फुल ऑफ डाइवर्सिटी। अगर आप जाएंगे किसी एक स्टेट के अंदर, फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट हरियाणा, तो अगर आप हरियाणा में जाते हैं तो हरियाणा में आपको बहुत तरीके के कल्चर्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं हरियाणा में बात करूं गुड़गांव की, सोनीपत की, जींद की, तो इस तरीके के जो अलग अलग यहाँ पर जिले हैं वहाँ आपको बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी। वहाँ अगर आप सिटी में जाते हैं तो वहाँ की जो लैंग्वेज है थोड़ी कॉस्मोपॉलिटन होगी, इट वुड बी मोर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एंड लेस ऑफ हरियाणवी डायलैक्ट्स। बट जैसे ही आप मूव करेंगे आगे यानी कि वहां के गांव में, तो आपको बहुत ज्यादा डाइवर्स लैंग्वेज देखने को और सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों यही कहा जाता है कि कोस कोस पे भाषा बदले, तीन कोस पे पानी। तो पानी और पानी की बात हम लोगों पर मैं आपको बता दूं कि जो आज के हमारे पहले गेस्ट हैं वो एक ऐसे इंसान हैं जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाले हैं, क्योंकि हर इंसान को मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, एंड स्पेशली इन द टफ टाइम्स ऑफ दिस पेंडेमिक विच इज गोइंग ऑन। तो अगर मोटिवेशन की मैं बात करूं तो मोटिवेशन इंसान को बहुत कई जगहों से मिलती है। वो शायद बुक्स से इंस्पायर हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, शायद वो किसी इंसान को देख के सुन के मोटिवेट हो सकते हैं। पर आज के इस समय में हमारे पास में एक प्रोफेशन ऐसा है विच इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स मोटिवेटिंग पीपल, एंड दैट इज देयर ऑफ अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो दोस्तों हमारे बीच में एक मोटिवेशनल स्पीकर आने वाले हैं और मैं आप सभी लोगों की उनसे बातचीत कराऊंगा। वो अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करेंगे, और इन्हें आपने मेरे साथ देखा होगा। ही इज अ वेरी वेल नोन फेस एंड टेक्स केयर ऑफ द वर्क ऑफ अ मोटिवेशनल ट्रेनर। सो लेडीज जेंटलमैन, विदाउट एनी फर्दर अडू, आई वुड बी कॉलिंग हियर विद मी नितिश शर्मा। सो एक बार नितिश शर्मा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज आए हमारे साथ यहाँ पर। हाय नितेश, हाउ आर यू? हाय गौरव, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट. ऑल वेल ऑल वेल। नितेश जी कैसे हैं? सो इट्स बीन अ वाइल गौरव, हम फेस टू फेस तो मिल ही नहीं पाए हैं. तो वैसे तो अच्छे ही हैं, हम सारे ही अच्छे हैं आई बिलीव. बिल्कुल बिल्कुल। और देखो फेस टू फेस मिलने की जरूरत तब तक नहीं है, हाँ और तब तक ये जो हमारी तकनीकी है काम करती रहेगी। सो वील बी मीटिंग वर्चुअली लाइक सो। राइट तो मैं राइट चाहूंगा क्षितिज जी एक बार वर्चुअली आप अपना हाथ उठा के एक बार जब ताली सी मुझे दे दीजिए, एक बार एक ताली दे दीजिए, हाँ एक बार ऐसा मार हाई दीजिए फाइव ये। हाई फाइव हाँ हाई एक बार फाइव. हाँ, हाई फाइव हो गया, वर्चुअल हाई फाइव हो गया है। सो नितेश, अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो मोटिवेशनल स्पीकर का एक करियर होता है, हाउ कैन वन स्टार्ट विद दिस करियर? क्या जरूरी है, क्या अहम है किसी इंसान के खुद के अंदर ऐसी क्वालिटीज होना, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होना कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के प्रोफेशनल करियर में घुसने के बारे में सोच पाए? फर्स्ट ऑफ ऑल गौरव, आई बिलीव कि क्या नाम है, मोटिवेशनल स्पीकर बनने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती है अपने आप के अंदर. एंड दैट इज़ कि रीडिंग बुक्स इज़ वन ऑफ द थिंग आई बिलीव. एंड उसके बाद क्या नाम है, जितने भी जैसे ट्रेनर्स हैं उनकी ट्रेनिंग सेशंस में भी हमें जाना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस करना चाहिए. एंड आफ्टर ऑल ऑफ दैट, लाइक नंबर ऑफ रीडिंग बुक्स, नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशंस के बाद हमें लाइफ एक्सपीरियंस, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ डेज. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी को कन्वे भी तभी किया जा सकता है जब आपकी और आपकी लाइफ की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी हों कि किसी को सुनाने वाली हों, राइट? एंड और वो मोटिवेशन दे सबसे पहले, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको रीडिंग लॉट ऑफ मटीरियल, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग के बाद लाइफ एक्सपीरियंस होना चाहिए. एंड लाइफ एक्सपीरियंस के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो होना चाहिए कि ऑडियंस एक्सपीरियंस.
तो अगर आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे किसी चीज को, अगर किसी स्टोरी को, तो जी मुझे जी लगता है कि ज्यादा आप अच्छे एक मोटिवेशनल स्पीकर बन पाएंगे. लेट मी जस्ट गिव यू अ शॉर्ट एग्जांपल ऑफ विवेक बिंद्रा एंड संदीप महेश्वरी. व्हाट दे एग्जैक्टली डू कि वो लोगों की बहुत छोटी छोटी चीजों को पकड़ते हैं, राइट. लेट्स से कि फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई हैव द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सो मेरी जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ वो मुझे कनेक्ट करेंगे, एंड दिस इज वन ऑफ दैट की जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टोरी की नब्ज जानते हैं, लोगों की नब्ज जानते हैं, और उस चीज को पकड़ने के बाद क्या नाम है, वो लोगों के पास एक स्टोरी डिराइव, मतलब स्टोरी थ्रो करते हैं, और वो चीज कहीं ना कहीं एक एफिशिएंसी वाली साबित होती है. तो वही एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने की लोगों को सलाह दे सकता है या आगे बढ़ा सकता है. नितिश, मैं बात करूं मोटिवेशन की, तो क्योंकि ये सेशन चल रहा है और आज 12वां एपिसोड है, तो हम लोगों को भी एज एन आर्टिस्ट मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, और ऐसे ही हमारे कमेंट्स हम लोगों को मिलते रहते हैं, हमारे पैनलिस्ट भी होते हैं और साथ में हमारे ऑडियंस मेंबर्स भी होते हैं। दे कीप ऑन एनकरेजिंग अस, दे कीप ऑन टेलिंग अस समथिंग, सम एक्शंस इफ वी आर डूइंग, एंड दे कीप ऑन एनकरेजिंग ऑल दोज एक्शंस। सो ऐसे ही मुझे कॉमेंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। शरीफा जी हैं, कह रहे हैं दैट गौरव रॉक ऑन, और साथ ही बोल रहे हैं नितेश जी अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर यू आर, एंड द वे नितेश यू कनेक्ट विद द पर्सन द अटेंडी हु इज देयर इन द सेशन, दैट इज रियली एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मतलब काबिले तारीफ है जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं जितने भी मेंबर्स होते हैं, अटेंडीज होते हैं, उनके साथ आप कनेक्ट करते हो, वो दैट इज सेकेंड टू नन। मतलब मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जितने थैंक्स. एक्सपीरियंस मोटिवेशनल स्पीकर हैं हमारे, आप उनसे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से उस चीज को कर पाते हो। क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस की है कि अगर कोई, मैं देखिए किसी के काम को मैं बुरा नहीं आंक रहा हूँ बिल्कुल भी, बस मैं वो चीज बताना चाह रहा हूँ जो मुझे फील होती है। सो इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, जिसके अकॉर्डिंग आप, जैसे होता क्या है किसी सेशन में अगर हम लोग जाते हैं, या अगर किसी सेशन में कुछ मोटिवेशन स्पीकर की कोई स्पीच है, तो वहां होता क्या है कि सिर्फ बच्चे आते हैं या अटेंडीज आते हैं, वो सुनते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, फिर अपना निकल जाते हैं। बट आई बिलीव जो आपके सेशन में मैंने देखा है, जिस तरीके से आप उनको कनेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ सम पिक्चर, सम वीडियो, सम स्टोरीज, आपकी जो कुछ एक्टिविटीज भी होती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटीज होती हैं। मुझे एक एक्टिविटी के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप एक एक्टिविटी मैंने देखी थी आपकी, जिसमें आप मोमबत्ती के ऊपर फूंक मार के कुछ कुछ करते थे, राइट था राइट क्या, मुझे राइट अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए इस एक्टिविटी के बारे तो में। इट्स स्टोरी, एक ये काफी अच्छी स्टोरी थी, और ये मैंने एक बुक में पढ़ी थी. तो आई बिलीव कि मतलब मेरे को ऐसा लगा कि लोग इसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं. एंड दैट स्टोरी इज रिलेटेड टू कि हम हार्डवर्क में, और क्या नाम है, हम किसी चीज को करने में और ना करने में कितना सिर्फ फर्क है और कितना सा डिस्टेंस है. लेट्स से दिस इज हार्ड वर्क, मतलब जो हम करते हैं, उठ के चलते हैं, करते हैं, एंड दिस इज लाइक हम बैठे हुए हैं और सिर्फ सोच रहे हैं. सो स्टोरी सिर्फ इतनी सीख थी कि मैंने एक डार्क रूम के अंदर कुछ 70 से 80 लोग थे, एंड दे आर ऑल आर कॉर्पोरेट पीपल. तो क्या नाम है, वो जी मोमबत्ती जलाई एक मैंने, एंड मैंने लोगों से कहा कि गाइज आई वॉन्ट कि आप इसे 5 मिनट तक सोचें कि ये बुझ जाएगी, राइट. फिर दोबारा मैंने बोला कि आप 5 मिनट और सोचिए, ये बुझ ही जाएगी, वाकई में बुझ जाएगी. लोगों ने माना और लोगों ने बिल्कुल अपने फोकस की इतना फोकस लगाया कि वो शायद थोड़ा थोड़ा ना फ्लिकर करने भी लगी, हिलने भी लगी. लोगों को लगा कि ये बुझ जाएगी एक्चुअली में, राइट. सो उसके बाद जैसे ही कहना, मैं थोड़ी देर और मैंने कहा कि 2-3 मिनट चलिए अभी और देते हैं, और कहना मैं हम इसको कोशिश करते हैं कि अच्छे से फोकस करके इसको बुझा दें कैंडल को. तब कह रहा मैं 2-3 मिनट होने के बाद, और पीछे मैं बैठा हुआ था, मैंने लोगों को बोला कि आप कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए. तो बहुत देर तक नहीं हुआ, तो लोग कह रहे कि यार नहीं होगा मुझे लगता है. तो उसमें से एक बहुत अच्छा मतलब शख्स था, दैट जी ही नोज द पर्टिकुलर वे ऑफ इट कि क्या नाम है, हमें हार्डवर्क और बैठे रहने में कितना फर्क है. वो उठा, जी जी गया जी और मोमबत्ती को बुझा दिया उसने. एंड दैट्स व्हाट आई वांट कि क्या नाम है, कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा जो जाके खड़ा हो और उसे बुझा दे. तो दिस इज द मैसेज कि हमारे बैठने में और सोचने में और उठ के करने में कितना क्या नाम है फर्क है. सो ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी जो लोगों के साथ हमने की थी, एंड पीपल वाज लाइक वेरी वेरी एक्साइटेड कि यार ये एक नई एक्टिविटी देखने को मिली है, एंड मतलब लोगों ने बहुत. अगर कहें कि नथिंग विल बी डन अंटिल यू आर द वन डूइंग इट, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। और जैसा कि नितेश ने हमें इस स्टोरी में बताया कि अगर कुछ ऐसा एक्शन है जो आपको करने के लिए कहा जा रहा है, उस एक्शन में अगर आपका एक्शन करना भी जरूरी है, सो दैट इज हाउ यू कैन अचीव द टारगेट। अदरवाइज अगर आप सिर्फ सोचते रहें
और सिर्फ दिमाग ही के अंदर अपने ख्याली पुलाव पकाते रहे तो वो काफी नहीं होगा, ना काफी रहेगा जैसे कहीं ना कहीं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम शेरी जी से एक बात कही थी, शेरी जी भी हमारे साथ लाइव थे, तो शेरी जी ने जी कहा जी कि नेम हमारे पास है, कुछ हद तक नाम है हमारा बना हुआ, हम काम भी कर रहे हैं, हम अपने घर पे भी हैं, अपने बिजनेस भी मिल रहा है, एवरीथिंग इज लाइक वेरी सेटल्ड। तो क्या फर्क है, ये क्या नाम है, जो कैलाश खेर है वो बहुत ही टॉप पे है, अगर मैं हूँ तो मैं बहुत नॉर्मल से लेवल पे हूँ अभी, और अगर मैं उस चीज को नाम बनाना चाहता हूँ तो वो कैसे सेट होगा। तो मैंने उनको बताया था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल ओनली, दो ही तरीके के लोग हैं इस पूरे के पूरे संसार में, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में, एंड दोज आर, वन इज सेटिस्फाई पर्सन, जो कि सेटिस्फाई हो गया किसी भी चीज से, चाहे उसे जो भी मिला हो, एंड अनदर वन इज डिसेटिस्फाई पर्सन, लाइक जो कि सेटिस्फाई हुआ ही नहीं है किसी चीज से, कि उसको और अचीवमेंट चाहिए, उसको और अचीवमेंट चाहिए, हर मोमेंट पे उसे लगता है कि नो दिस इज नॉट माई गोल, द माई अल्टीमेट गोल इज लाइक टू रीच द हाइयर टारगेट एज मच एज पॉसिबल, तो तो वो टारगेट। कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें नितेश कि शॉर्ट टर्म गोल्स बनाना भी बहुत जरूरी है किसी भी इंसान के लिए, तो गलत नहीं होगा। बहुत ज्यादा जरूरी है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म गोल के पीछे शॉर्ट टर्म गोल्स का सबसे ज्यादा हाथ होता है। द रीजन इज क्योंकि अगर हमें हमारी डायरेक्शन शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं दिखाएंगे तो हम किसी भी तरीके से लॉन्ग टर्म पे नहीं पहुंच सकते। अगर मैं आज सोचूं कि मैं धीरू भाई अंबानी बन जाऊं या फिर क्या नाम है मुकेश अंबानी बन जाऊं, तो आई बिलीव कि जब तक मैं अपने शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं बनाऊंगा, अपनी स्ट्रैटेजीज नहीं बनाऊंगा, तब तक मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ बन पाऊंगा। बिल्कुल सही बात आपने कही। और नितिश, हमारे आज के पैनल में मोटिवेशनल स्पीकर का जो रोल है वो आपकी तरफ से फिल हो रहा है। हमारे साथ में एक आर्टिस्ट है मौजूद, और बहुत ही उनकी जो आवाज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही प्यारी आवाज है, जहां भी कहीं जाते हैं तो नेचुरल हार्ट थ्रॉप बन जाते हैं। मैं अगर आपकी परमिशन हो तो देवांग को यहाँ पर बुलाना डेफिनेटली चाहूंगा। ही इज अ डेफिनेटली ग्रेट ग्रेट गिटारिस्ट एंड अ सिंगर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जो हमारे मॉडरेटर हैं प्लीज इन्फॉर्म करें देवांग को, एंड लेट अस वेलकम हियर देवांग अमंगस्ट अस। एक बार देवांग के लिए भाई जितने भी ऑडियंस मेंबर्स हैं एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। कम ऑन एवरीवन, मैं अपनी तरफ से तालियां जरूर बजाऊंगा। सुपर सुपर। सो वी हैव देवांग अवेलेबल हियर। देवांग, कैन यू हियर अस? कैन यू सी अस? यस यस गौरव भाई, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हाय हूँ देवांग जी, देवांग, आप सुनाएं कि क्या हाल चाल है जयपुर राजस्थान के। बिल्कुल एकदम बढ़िया है, एकदम गर्मा गर्म, स्पाइसी हॉट एकदम। तो बात चल रही थी देवांग, जो हमारी आज की थीम है वो कहती है कि मेरा भारत मेरी शान। पर वहीं पर अगर आप देखें तो हमारा जो कल्चर है बड़ा डाइवर्स सा है, और बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, और स्टेट्स के अंदर बहुत सारे अगर मैं बोलूं डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव हैं, ग्राम पंचायत हैं। तो इतनी डाइवर्सिटी के बाद में एक भारत जो बड़ी आइडेंटिटी है उसके ऊपर फोकस करना कितना मुश्किल है या फिर कितना आसान है देवांग, अगर आप कुछ कहना चाहें इस बारे में। देखिए, मेरा ओपिनियन तो ये कहता है कि आपको फोकस करना ही क्यों है। आपके पास जब इतने ऑप्शंस अवेलेबल है, आप कुछ भी चूज करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस की कमी होती है। आज अगर आप इंग्लैंड जाएंगे या किसी ऐसी जो प्रॉपरली सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, वहां आप सिर्फ इंग्लिश सुनेंगे, वहां पे आपको इतनी डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। सो हमारे भारत देश की सबसे बढ़िया बात यही है कि हमारे पास डाइवर्सिटी है, वो फिर चाहे रिलीजन में हो, चाहे वो कास्ट में हो, चाहे वो लैंग्वेजेस में हो, चाहे वो किसी भी चीज में, टैलेंट में हो, डाइवर्सिटी हर चीज में है हमारे इंडिया में, एंड दैट इज व्हाट वी आर प्राउड ऑफ, एंड वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ दैट। सो या तो दैट्स माय यहीं ओपिनियन। पे गौरव, देवांग, मेरा जो मुझे, सवाल है मैं ये बताना चाहता हूँ कि जी अगर नितेश, आपको डाइवर्सिटी देखनी है तो सबसे ज्यादा ट्रेन में देखने को मिलेगी, एक्चुअली क्योंकि ट्रेन में अलग अलग टाइप के बहुत सारे लोग होते हैं। लाइक अगर इवन आप दिल्ली से मथुरा भी जा रहे हो या आगरा भी जा रहे हो, तो देर आर एन नंबर ऑफ पीपल जो कि डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी के हैं। मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये डाइवर्सिटी भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाती है हमारे देश के लिए? आपका क्या ओपिनियन है? सी दैट इज एक्चुअली ट्रू, बट देखिए, वो भेदभाव हम ही ने बनाए हैं और हम ही उसे खत्म कर सकते हैं। सो एज यू सेड, इट्स राइट। एक्चुअली देखा जाए तो ये डाइवर्सिटी कुछ हद तक हमारे लिए डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है, बट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के आप किसी अदर पर्सन के साथ कैसे अपने आप को कम्युनिकेट कर रहे हैं या कैसे अपनी बात शेयर कर रहे हैं, सारी चीजें उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि
जबान की काफी वैल्यू हो जाती है, और अगर आप उसे गलत तरीके से चलाएंगे तो उसका गलत आउटपुट निकलेगा, और सही चला लेंगे तो उसका एडवांटेज हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल सही कहा, मतलब ये कहीं ना कहीं उसी मुझे तरीके से है कि उसी तरीके से कि जैसे इंसान के ऊपर अगर वो बुरा देखना चाहता है तो उसे बुराई दिखेगी, अगर वो अच्छा ही देखना चाहता है, अच्छा ही लेना चाहता है, तो उसे कहीं ना कहीं अच्छाई और अच्छे लोग ही मिलेंगे। नितिश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे थे नितिश? हाँ सुकर, मैं ये बोलना चाह रहा था कि रिसेंटली ना रामायण महाभारत आजकल बहुत फेमस भी पड़ी है, एंड नॉट ओनली रामायण एंड महाभारत और एनी अदर रिलीजन, जो जितने भी हमारे साथ जितने भी प्यारे और ब्यूटीफुल रिलीजन्स हमारे साथ हैं, वो हमें एक बहुत ही अच्छी चीज बताते हैं। दैट थिंग इज, जैसे मैंने महाभारत में कल देखा था कि किसी भी एक तरफ, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, अगर अच्छी तरफ उठाया हुआ एक छोटा सा कदम, दैट विल लीड्स टू इन अ वेरी गुड वे, और दैट विल लीड्स टू इन अ वेरी यू कैन से कि बहुत अच्छे कदम बन सकते हैं अगर अच्छी तरफ उठाया हुआ हो तो। एंड अगर वही सेम बुरी तरफ उठाया हुआ हो तो वो बुरे कदम बन जाते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ डेज, कि लोगों को ये सोचना है कि पहले वो अपने आप में सेल्फ चेंजेस लाएं। अगर वो सेल्फ चेंजेस लाएंगे, अगर वो किसी भी धर्म के बारे में बुरा ना सोचें, किसी भी कास्ट रिलीजन किसी भी डाइवर्सिटी के बारे में बुरा ना सोचें, तो मुझे लगता है कि हमारा देश इतना पहले ही, क्योंकि मतलब एक डाइवर्स बड़ी डाइवर्सिटी है, इतने ज़्यादा अलग अलग क्या नाम है धर्म, और इतने ज़्यादा अलग अलग तरीके के लोग, कल्चर, कलर्स, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट है, जो कि अपने आप में बहुत ही एक बड़ी और बहुत ही मुझे मुझे लगता है कि वर्ल्ड वाइड फेमस थिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ अपने आप चेंजेस लाना अपने आप में एक अलग बात है। और अगर मैं बात करूं हमारे देश की, तो हमारे देश में जो खूबसूरती है वो भी बहुत ज्यादा है। और खूबसूरती की जब मैं बात करता हूं तो मेरे दिमाग में जो ब्यूटी पेजेंट्स हैं इनकी सबसे पहले एक इमेज सामने आती है। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं नितेश, वो बहुत स्पेशल हैं, तो मैं चाहूंगा कि उन्हें भी मैं यहाँ पर हमारे बीच में बुलाऊं, और जो मेरी ऑडियंस है वो हमेशा उनका इंतजार करती है, तो आज ये दूसरा मौका है कि वो हमारे लॉकडाउन फ्यूजन के एपिसोड्स में आ रही हैं। सो मे आई रिक्वेस्ट मिस इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल 2018 मिस सुमन चेलानी, एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी लोग स्वागत करें। एंड दोज हु आर बैक एट देयर प्लेसेस, तालियों के साथ साथ आप कमेंट्स में लिखकर भी हमें जरूर बताएं, आपके जो सवाल हैं वो भी जरूर पूछें। सो इन अ व्हाइल वी आर गोइंग टू सी सुमन हियर। हाय सुमन, हाउ आर यू? सुमन, योर माइक इज ऑन म्यूट, योर माइक इज ऑन म्यूट। Oh, I'm so sorry. It was on the mute. I'm so sorry. Hi, Gaurav. Hi, Nitish. Hi, Devang. I'm so happy to see you back. And big thank you to Kshitij and his entire team, Events Hunger. You have been doing brilliant work and amazing initiatives. Thank you so much for having me in this evening. Thank you very much Thank you for very much the good for the good information here, information here. Suman. But Suman, there is but there something is special something about you, special and that about you, and special that thing is special when I thing think is when I think of a beauty of a pageant beauty pageant competitor, a competitor, competition a member, competition then there is member, one thing then which there is comes one into thing which mind, and comes that into is mind, and there they is always say they that we always want to say do that we something want to good do for something good society, for but I society, see but that I you are see one of that those you are people one of who those are people actually who doing are good actually for the doing good society. for the society. Yes. मैंने जो है इस लॉकडाउन में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, एंड दैट इज ऑनलाइन हाउजी। तो वो जो है ऑर्गेनाइज किया है वो सिर्फ और सिर्फ जो है चैरिटी के लिए है। उसका कंप्लीट प्रॉफिट जो है, जो कोरोना वायरस के पीड़ित हैं और उन सबको जो है दिया जा रहा है, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं जितना जो है हो सकता है अपने हिसाब से। सो यस, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द ब्यूटी पार्जन। आई वुड से हम जितने भी लोग भारत में हमारे पास जितनी भी ताकत है, मैं कहूंगी भले ही 10 रुपया क्यों ना, चाहे 2 रुपया क्यों ना, लेकिन ये वही वक्त है जहां पे हमें एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर जो है आगे बढ़ना है। एंड दैट्स व्हाट द ह्यूमैनिटी इज। बिल्कुल सही बात बिल्कुल आपने सही यहाँ बात पर की आपने सुमन। यहाँ पर की सुमन। एक सवाल मेरा है आपसे, क्योंकि आज हमारी जो थीम है वो है मेरा भारत मेरी शान। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसे तीन नाम आप मुझे बता पाए जो हमारे भारत देश की शान है, मैं समझ सकता हूँ कि मैं ये जो क्वेश्चन है, जो नंबर मैंने आपको दिया बहुत लिमिटेड करके दिया है, बट इफ यू कुड नेम इफ यू एनी कुड नेम थ्री हु एनी थ्री अकॉर्डिंग टू हु यू आर अकॉर्डिंग टू द यू टॉर्च आर द बेयरर्स टॉर्च ऑफ बेयरर्स ऑफ इंडिया। इंडिया, तीन बहुत ही कम है। सुमन यू आर ऑन म्यूट सुमन यू प्लीज। आर ऑन म्यूट। यस
नो आई एम नॉट अनम्यूट. ओके सो एक जो है जो हमारे बीच नहीं है अभी अनफॉर्चुनेटली वो है मदर टेरेसा. दूसरे जो लेजेंड है जिनको मैं दिल से बहुत जिनकी मैं इज्जत करती हूँ वो है एपीजे अब्दुल कलाम. एंड थर्ड पर्सन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी. सो इन तीनों की जो है वो मैं बहुत हमेशा से ही इज्जत करती आई हूँ एंड आई हैव यू नो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल दीज. आप देख रहे हैं सुमन, आपने देखे एक्चुअली सुमन पंडोरास आपने बॉक्स एक्चुअली खोल पंडोरा दिया बॉक्स आखिरी खोल तीसरे दिया राम के साथ तीसरे में, राम के लड़ाइयां भी हो साथ सकती लड़ाइयां हैं। भी हो सकती. यू नो इट्स एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज इट्स अ रिस्पेक्ट. यू नो हमारे देश का कोई भी प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो वो एक बीजेपी हो कांग्रेस हो या भाजपा बट कोई भी क्यों ना हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर है रिगार्डलेस ऑफ द कम्युनिटी रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी आई रिस्पेक्ट हिम. सो या सुमन, क्योंकि देवांग हमारे साथ हैं तो मैं चाहूंगा कि देवांग, जो हमारी थीम है आज की मेरा भारत मेरी शान, उसके लिए कोई एक सॉन्ग अगर प्ले कर पाए तो। देवांग, हाउ अबाउट अ सॉन्ग फ्रॉम योर साइड? एक्चुअली मेरे पास लास्ट टाइम सुमन की एक रिक्वेस्ट आई थी एंड आई एक्चुअली वांटेड टू सिंग दैट सॉन्ग बिफोर वी गो अहेड फॉर एनी सॉन्ग रिलेटेड टू इंडिया एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ एवरीबडी कैन ज्वाइन ऑन दिस वन बिकॉज आई एम श्योर ये लास्ट टाइम भी मैंने गाया था और दैट वॉज अगेन फॉर सुमन बट उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था एंड आई ऑल्सो गॉट टू नो दिस फ्रॉम क्षितिज दैट यू वॉन्टेड टू हियर And दिस अगेन. थैंक यू सो मच फॉर दैट Devang, सुमन. since you mentioned Kshitij here, so let's call in Kshitij also into this StreamYard broadcast. So may I request Kshitij, the director of Event Sangha, please श्योर प्रकट हो जाइए, आ जाइए। तो ये नारद मुनि के आशीर्वाद के ये साथ नारद में क्षितिज जी मुनि हमारे के प्रकट हो आशीर्वाद चुके हैं। के साथ में क्षितिज जी हमारे प्रकट हो चुके हैं. ठीक है, अच्छा पहले ये बता, Devang रोशनी सजा प्लीज दी है कैरी ना ऑन। चेहरे पर? देवांग प्लीज कैरी ऑन. हाँ जी क्षितिज आप हाँ कुछ बोल जी रहे हो आई गेस. देवांग, आप स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके परफेक्ट. ओके ये द सॉन्ग इज कॉल्ड पहली कॉल्ड मोहब्बत. पहली मोहब्बत. ओह वाओ दिस इज स्पेशली डेडिकेटेड थैंक यू. देयर फर्स्ट टाइम एवर लव सो आई होप यू लाइक दिस वन एंड दिस इज ऑल्सो फॉर ऑल द दर्शन रावल फैंस. हियर वी गो. Oh,
क्या बात है, क्या बात है देवांग, वेरी वेल डन, आपने बहुत अच्छा गाया। एंड आई बिलीव जितने भी लोग हमें सुन रहे होते हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे होते हैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर, उन सभी को बहुत खुशी हुई होगी ये सॉन्ग सुनने के बाद में। और कहीं ना कहीं जो सुमन जी है, सुमन जी आपको भी बड़ी खुशी हुई कि सुमन जी कहाँ चली गई स्क्रीन से। क्षितिज अगर एक बार आप हमें बता पाए तो। एक्चुअली उनका नेटवर्क इशू था, अभी वो दोबारा आ गई है, मैं दोबारा उनको लाइव कर रहा हूं। हाय देवांग, आई एम सो सॉरी देवांग, द नेटवर्क इशू। देवांग यू सैंग ब्रिलियंटली, यू सिंग सो वेल। इवन लास्ट टाइम जो है तब भी आपने इतना अच्छा गाना गाया था, एंड लास्ट टाइम जो मुझे याद है आपने जो गाना गाया था दैट वाज लग जा गले। इस बार भी ये जो पहली मोहब्बतें हैं, too good, too good. We would love to have some more. For sure, okay, Devang, I have one request. I have one request. उसके पहले एक बार आप सबके लिए एक शेर हो जाए, क्योंकि आज हमारी थीम है भारत के ऊपर, तो भारत के लिए जो है एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। एक बार इरशाद हो जाए आप सबकी ओर से। इरशाद, इरशाद, इरशाद। बात कुछ ऐसी है, कौन कहता है सिर्फ बेटियां घर छोड़ जाती हैं साहिब, कौन कहता है कि सिर्फ बेटियां घर छोड़ जाती हैं साहिब, बेटे भी घर छोड़ जाते हैं। बड़े ही कमाल के होते हैं ये बेटे, जो बटुए में परिवार छुपा लेते हैं और दिल में हिंदुस्तान। तो आज जितने भी हिंदुस्तानी हमें देख रहे हैं, जितने थैंक यू, जितने भी हिंदुस्तानी हमें देख रहे हैं, आई होप आप अपने घरों में सुरक्षित हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। एंड इमेंस हंगर जो है हर बार आपके लिए नए आर्टिस्ट के साथ, जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ, क्षितिज जो है बहुत ही टेक्निकली मैं कहूंगी अच्छे से जो है एफर्ट्स डालता है आप सब तक एंटरटेनमेंट पहुंचाने के लिए। तो आज सच इट्स अ डिलाइट आई वुड से कि आप सबके बीच देवांग जो है बैक टू बैक हमारे बीच गाने पेश कर रहे हैं। देवांग हो जाए एक और गाना। ओके श्योर, ओके श्योर। वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट, एक्चुअली द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री इंडिया, एंड सिंस आई एम फ्रॉम राजस्थान जयपुर, सो आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग विच जो कि हमारी राजस्थान की मिट्टी से निकला हुआ गाना है, और ये हमारे मामे खान साहब ने ये गाना गाया है, सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। एंड आई एम श्योर ये गाना सबको आता होगा, सो आप अपने अपने घरों में जरूर गा सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच। मन की ना हर सरे मन पंगा जी में तो
अद्भुत है देवांग जी, आपकी जो आवाज है, मतलब क्या कहूँ, काश मेरी आवाज ऐसी होती तो अपने भी कुछ ज्यादा नंबर होते हैं, बट ठीक है, ऊपर वाले ने जिसको जितना दिया वो सब ठीक है, ऊपर वाले ने तो ऐसे कानों में अशर्फियां ली जाती है, सो ऐसी आवाज आपकी भी। मैं, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, अपनी तो आवाज मतलब कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 रुपए वाली आवाज है अपनी भी, इट्स ऑल गुड। मेरा एक सवाल है, जितने भी यहाँ पर हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, आप सभी से है, मेरा सवाल है कि जो हमारा देश है इसमें कितने राज्य हैं? करंटली हाउ मेनी स्टेट्स डू वी हैव, कितने राज्य हैं हमारे देश? ऑप्शन ऑप्शन चाहेंगे? यू वांट दी ऑप्शन? 29। एक बार सभी लोगों का जवाब ले लेते हैं, टेक दी आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। गौरव, मेरे हिसाब से 31, लाइक आई एम नॉट श्योर, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन 31। देखिए कीजिए, कोशिश कीजिए, 29 और 31 आई गेस। देवांग गूगल करो यार, थोड़ा तो गूगल बनता है। चलिए, ये जो सवाल का जवाब है, मैं आप सभी लोगों को, जितने भी ऑडियंस मेंबर्स हैं हमारे, मैं आप सभी लोगों को दूंगा जब ये सेशन एंड होने वाला होगा तब। उससे पहले, क्योंकि क्षितिज हमारे साथ में मौजूद हैं, क्षितिज हमारे साथ में कई सारे व्यूअर्स जुड़े हैं, और सुमन जी, देयर इज वन कमेंट व्हिच वी रिसीव्ड एंड दिस कमेंट वाज स्पेशली फॉर यू। देयर इज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बाय द नेम मेकर रहमान, एंड ही सेड दैट यू आर रियली वेरी स्पेशल, लेट मी रीड द कमेंट हियर फॉर यू। He says that you are an inspiration, Suman ji. Thanks. Thank you so much, AK Rahman. I was okay. So much. Okay. He says that I'm an inspiration. Let me tell you, he himself is an legendary anchor of the industry. और हमारी industry के one of the best anchor that we are blessed to have. और वो खुद एक इतने अच्छे इंसान हैं. So he's very kind to say that. Thank you, AK. अब देखिए वही बात है ना, कि जो एक जौहरी होता है उसे ही कहीं ना कहीं हीरे की परख होती है, तो वो जौहरी हैं, आप हीरा हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा जीरा हैं, जो कि ऊंट के मुंह में भी काफी नहीं होता। सो मैं चाहूंगा कि एक बार जितने भी हमारे पैनलिस्ट है, सबसे पहले तो सुमन के लिए एंड फॉर ऑल द गुड वर्क शी इज बीन डूइंग फॉर द सोसाइटी, एक बार उनके लिए तालियां जरूर होनी चाहिए, उनके लिए तालियां जरूर होनी चाहिए। मेरे पास में अभी एक खबर आई है, और खबर कहती है कि थोड़ी देर में सुमन जी को आगे बढ़ना है एक और सेशन के लिए, वेयर शी इज गोइंग टू एड्रेस सम मोर पीपल, शी बी स्प्रेडिंग सम मोर पॉजिटिविटी अराउंड, सो फॉर दैट लेट अस ऑल विश अ गुड बाय टू सुमन। एक बार सभी लोग प्यार से गुड बाय बोल दीजिए सुमन जी के लिए, हमारे दोनों हाथ ऊपर है जी आपसे गुड बाय बोलने के लिए। मुझे Thank you so much once again. Thank you, Kshitij. Thank you, Event Sangha. Thank you, Dev, once again. Thank you, Kshitij. Thank you, Event Sangha. Thank you, Dev. Gaurav. Sumandi. Just a minute. Akshay bhaiya hamare saath hai. Ek baar main unko live le raha hu. Then aap jaiyega yahan se. Theek hai? Chaliye ek baar Akshay ji ko yahan par le lete hain. Akshay Lakshman ji. यहाँ पर ले लेते हैं। अक्षय लक्ष्मण जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि एक गजब के आर्टिस्ट हैं, और इनकी कला के बारे में हम थोड़ी देर में पता करेंगे, उससे पहले मैं एक बार उनको बुला लेता हूं, क्योंकि सुमन जी को जाना है और अक्षय जी को अभी आना है, तो एक बार सबसे पहले अक्षय जी को स्वागत करते हुए बुला लीजिए, स्वागत करेंगे हम तालियों के साथ, जोरदार तालियां बजाएं अक्षय लक्ष्मण जी के लिए। सबसे पहले अक्षय जी को स्वागत करते हुए बुला लीजिए, स्वागत करेंगे हम तालियों के साथ। अक्षय, मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से एक क्वेश्चन सुमन के लिए जरूर होना चाहिए, इफ देयर इज समथिंग व्हिच यू हैव इन योर माइंड एंड यू वुड वांट सुमन टू गिव द आंसर टू योर क्वेश्चन। सुमन को मैं एक अक्षय जी आप सुमन अक्षय भाई 500 रुपए अकाउंट में डलवा देना।
सुमन आज हम लूडो कितने बजे खेलेंगे? नहीं नहीं मैं सुमन से सीधे सवाल पूछता हूँ, ठीक है? सुमन, हाउ आर यू एबल टू बैलेंस सो वेल? क्योंकि ये ब्यूटी विद ब्रेन्स तो बहुत सुना है, ब्यूटी विद ब्रेन्स तो हमने बहुत सुना है, बट सुमन हाउ आर यू एबल टू बैलेंस बिटवीन ब्यूटी एंड एंड हार्ट ऑफ गुडनेस ऑफ गिविंग, बिकॉज यू आर अ वेरी ह्यूमैनिटेरियन काइंड ऑफ अ पर्सन. सो आपने दोनों चीजों को बराबर एकदम बैलेंस किया, मैनेज किया है. सो इफ यू डोंट नो हर पर्सनली, शी इज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बींग एंड यू फील सो पॉजिटिव अराउंड हर. यू कैन नॉट बी डिप्रेस्ड अराउंड सुमन, यू कैन नॉट बी लो अराउंड सुमन, एंड इट्स जस्ट द वाइब. सो हाउ डू यू बैलेंस दैट? Akshay, you're very kind to say that. Thank you so much for your words. And let me tell you, because, you know, you can read mind. This is what I know. So you just read that so beautifully. So ye tum pad sakte ho, ye tum samajh sakte ho. Talking about managing, talking about the beauty management and talking about this brain and all, beauty with brain, aisa kuch bhi nahi hai. Sare achhe log mere saath jude hue hain. And I always believe in that beauty is in the eyes of beholder. There's nothing apart from that. And we all are working so hard in our life. Har koi mehnat kar raha hai. And we are some blessed people jinki mehnat jo hai wo rang laati hai. Baki isme koi raaz nahi hai. Koi extra baat nahi hai. We are just lucky and blessed child. That's it. And let me tell you a big shout out to Akshay. वो भले ही मुझे कह रहा है, you know, Suman is a positive, ये वो, but whenever it comes, कहीं पे भी मैं अगर अटकती हूँ, अक्षय इज द वन पर्सन. मैं रात को 12 बजे भी आई कैन कॉल हिम एंड आई कैन से अक्षय ये तकलीफ है, ये है, वो है, एंड ही इज एन अमेजिंग लूडो प्लेयर, हर बार जीतता है. वेल आई एम मैं कुछ सीक्रेट्स यहाँ पे डिस्क्लोज कर रही हूँ. और अक्षय की जो ट्रिक्स है, यू नो, जो उसका प्रोफेशन है और जो उसके ट्रिक्स है, हर बार मुझे सरप्राइज देते हैं. हर बार, एवरी टाइम आई एम सरप्राइज बाय हिज techniques and by his, you know, the way he does it. So Akshay, I'm looking forward to this today and I'll see you on the other side. My mic was on. Yeah, I said that I'll see you on the other side as well, Suman. Thank you for being so nice and so sweet as always. Yes. Yes. Bye everyone. Thank you so much. Enjoy the chair. Bye. Good luck. Bye. So, मेरे प्यारे दोस्तों, सुमन जा चुकी हैं और हमारे साथ में जुड़े हैं अक्षय लक्ष्मण जी. अक्षय लक्ष्मण जी के बारे में मैं आपको बता दूं, आप जो भी सोच रहे होंगे इनको पता होगा. आप क्या करने वाले हैं इनको पता होगा. आप क्या कहने वाले हैं ये भी इनको पता होगा. जैसे इनको ये पता है कि अभी मैं इनके बारे में क्या कहने वाला हूँ. So let me tell you that he is one of the best mentalist out there. और इनके बारे में अगर एक बात कही जाए कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने स्टेट तक सीमित होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने कंट्री तक सीमित होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ दुनिया तक सीमित होते हैं, ये ऐसे हैं जिन्होंने आउट ऑफ दिस अर्थ ये एलियंस के लिए भी जाकर शो कर चुके हैं. इतने सॉलिड लेवल के मेंटलिस्ट हैं हमारे अक्षय लक्ष्मण जी कि इनको पता है कि एलियंस के दिमाग में भी क्या चल रहा है. सो अक्षय लक्ष्मण जी, मजाक की बातें मैं रखता हूं अभी एक तरफ, पर आपके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अक्षय लक्ष्मण जी ने यूएसए, मेक्सिको, बर्मा, साउथ अफ्रीका, यूके और इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज में जाके परफॉर्म किया हुआ है और हर जगह की ऑडियंस को उन्होंने रेजल डेजल किया है. एवरी सिंगल टाइम ही परफॉर्म्स देयर, एवरी सिंगल पर्सन हु इज इन द अटेंडेंस इज लाइक व्हाट, व्हाट जस्ट हैपेंड. सो such is the charm of the gentleman who is sitting over there in black and smiling at me and all the audience members here. Akshay ji, aapka swagat hai hum sabhi logon ke beech mein. Main aapse janna chahunga ki agar aap meri jagah hote, yani ki agar aaj aap sutradhar ka kaam kar rahe hote, to aapne aap ko kis tarike se introduce karte? Mujhe apni tareef khud karni hai. जी बिल्कुल, ये पशु पेश में डालना मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे सारे गेस्ट को. ये मतलब मान लीजिए कि इन्होंने अपना नाम बहुत ही सटीक रखा है, उंगली बाबा. ये उंगली ही कर रहे हैं फिलहाल. चलो मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं कोई और हूँ और मैं अक्षय लक्ष्मण को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. ओके,
Ladies and gentlemen, welcoming you all to another episode of Going Live with Kshitij Jain and anchor Gaurav, aka Ungli Baba. And my next guest for tonight is a mentalist who has dazzled his audiences all over country. He has completely revolutionized mentalism. अपनी तारीफ करते करते इतना अजीब लग रहा है। हंसी आ गई, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। But yes sir, if I ask you, अक्षय, कौन सी एक ऐसी ऑडियंस आपके लिए रही जो बहुत चैलेंजिंग आपको लगी, मतलब कि यार ये तो काम ही नहीं करने दे रहे हैं मुझे, मतलब क्या चल रहा है ये, लाइक आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म, आई एम नॉट एबल टू शोकेस माय क्राफ्ट. So if you could tell us about just the place and not the name, because we don't want to hear any names. If you could just tell us a little about ki wo audience kahan ki thi, kaun sa show raha hoga, jahan ki audience ne aapko perform karne mein badi pareshani khadi ki, matlab ya to aapko sunna nahi cha rahe the ya to fir wo keh rahe the ki nahi, matlab nahi, bas nahi, nahi to nahi. Kshitij na mera mic on, Akshay, yeah, ha abhi mic on hai, mic on hai. All right. So ये मुझे exactly याद है कि ये एक शो था एकदम शुरुआत में मेरे करियर के. मैं जस्ट देखो, मैं आपको बताता हूँ, मेरे करियर का एक हाई पॉइंट जो बोलते हैं ना, एक टेक ऑफ पॉइंट आया था व्हेन आई वाज 21. कॉलेज खत्म हुआ था और मैं एक साल के लिए यूएस चला गया था टू परफॉर्म ऑन द क्रूज लाइन, क्रूज शिप्स यूएस के. तो मुझे एक साल में वहाँ की आदत हो गई थी, क्योंकि वहाँ का क्राउड बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होता है, वहाँ का क्राउड एंजॉय करना चाहता है, एंड इवन इफ दे नो द ट्रिक्स दे विल नॉट स्पॉइल इट फॉर अदर्स बिकॉज दे वॉन्ट यू नो अदर्स टू एंजॉय. वहाँ से वापस आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इंडिया में अभी शोज करूँगा परफॉर्म. एंड वन ऑफ द इनिशियल शोज इन माई स्ट्रगलिंग डेज इन इंडिया वॉज इन फ्रॉम फॉर अग्रवाल समाज होता है ना, जो समाज जैन समाज अग्रवाल समाज है, से अग्रवाल समाज था. एंड उन्होंने मुझे पूछा था वुड यू परफॉर्म एंड हाउ मच वुड यू चार्ज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और वो उन्होंने मुझे एक थिएटर में बुलाया इन आई थिंक भांडुप या भिवंडी, आई डोंट नो वेयर वाज दैट प्लेस. एंड पूरा थिएटर था कुछ 700 लोगों का. वहाँ मुझे मेरा माइंड रीडिंग का शो परफॉर्म करना था, बट आई डिड नॉट एंटिसिपेट कि वो ऑडियंस क्या है. मैं अमेरिकन ऑडियंस के ही थॉट प्रोसेस में था और माइंड मेंटलिस्ट के कैरेक्टर में था. मैं वहाँ आया स्टेज पे तो मैंने देखा कि आदमी अलग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं थिएटर में, ऑडियंस औरतें अलग बैठी हैं, कुछ कुछ के घूंघट हैं, वो कुछ लाउड चिल्ला रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं कूद रहे हैं, कितने सारे बच्चे थे, कितने सारे बच्चे. तो बच्चे स्टेज पे आ गए, मैं उनको बोल रहा हूँ जाओ जाओ जाओ, 20 बच्चे यहाँ से आ रहे हैं, 30 बच्चे यहाँ से आ रहे हैं. इट वॉज अ नाइटमेयर फॉर मी, नाइटमेयर. एंड कैसे भी करके मैंने निपटा दिया वो शो को. लेकिन उस दिन मैंने अपने आप को एक ये टास्क दिया कि नहीं, नाउ आई हैव टू अंडरस्टैंड इंडिया में अलग अलग ऑडियंसेस मिलेंगे मुझे. और यू नो उस टाइम पे मैंने कपिल शर्मा का शो देखा था टीवी पे, कॉमेडी नाइट्स, एंड आई रियलाइज कि हाँ यार ये बनना है, ये जो कम्प्लीटली नेशन के वो नर्व्स को पकड़ा हुआ है ना, अगर आपको इंडिया में करना है आपको इंडियन बनना है, आप अमेरिकन परफॉर्मर नहीं बन सकते हो. एंड दैट्स हाउ आई कम्प्लीटली यू नो रेवोल्यूशनाइज्ड माय ओन करियर बाय डाइविंग डीपर इनटू द इंडियन कल्चर. या बिल्कुल सही बात आपने कही. मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ अक्षय जी, कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक शोज तो हम लोगों को दूसरे लोगों के बच्चे गोदी में उठा के करने पड़ते हैं. लोग कहते हैं ये एंकर आया, जा बेटा जा इसकी गोदी में चढ़ जा, और स्टेज पे दूसरे इंसान की खेती को अपनी बाहों में पकड़ के दूसरे हाथ से माइक को पकड़ते हुए बोलना पड़ता है देवी और सज्जनों कैसे हो. सो सच इज द मैजिक ऑफ आवर नेशन. इट्स अ ग्रेट नेशन ऑफ ग्रेट एस्पिरेशंस एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी एंड स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ दिस पैंडेमिक दैट इज ऑफ कोविड-19. आपने देखा होगा कि अगर आप स्पेशली मतलब सभी मेरे जो पैनलिस्ट हैं उनसे और जितने भी ऑडियंस मेंबर्स हैं आप सभी से मैं बातचीत यहाँ पर कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि वहाँ की जो पुलिस है प्रॉपर गियर्स मिले हुए हैं, राइट, और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर का स्टाफ है, उनको प्रॉपर गियर मिले हुए हैं. बट हमारे देश में आप देखेंगे, हमारे देश में पुलिस को क्या मिला हुआ, बस एक डंडा.
डॉक्टर को क्या मिला हुआ है, बस उसका सफेद कोट जो कि उसे खुद धोना पड़ता है अपने घर पे जाके। सो इतने अभावों के बाद भी हमारे देश में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इतना अच्छा इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं कि मतलब काबिले तारीफ है, और उनके जज्बे को सलाम है मेरी तरफ से, और पूरी उम्मीद करता हूं कि हमारे बाकी पैनलिस्ट की तरफ से भी होगा। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, नितिश हमारे साथ में बैठे हुए, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड वी हैव अक्षय लक्ष्मण जी हियर, ही इज अ मेंटलिस्ट, तो आप दोनों अगर आपस में थोड़ी सी बातचीत करना चाहें तो, सो लेट अस हियर बोथ ऑफ यू टॉकिंग टू ईच अदर, देखते हैं कि क्या सिम्फनी बनती है, क्या बातचीत होती है। Thank you so much for unmuting my mic, Kshitij. Hi, Nitish. How are you? Nitish ka bhi mic unmute kar do, please. Nitish ji ka. Hello. ये ना मतलब ये ऐसा हो गया है जैसे नहीं अरेंज मैरिज होती है कि जाओ जाओ बेटा आप जाओ और सोलमेट बन जाओ दोनों, झूले पर बैठो जरा। नितेश की आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, आई डोंट नो, आई थिंक नितेश का माइक क्षितिज ने म्यूट करके रखा हुआ है, आई एम अज्यूमिंग। ओके, जब तक वो उनका माइक ठीक कर रहे हैं मैं लोगों के लिए कुछ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो आई हैव दिस रूबिक्स क्यूब ओवर हियर, उनका माइक तब तक आप ठीक कर दीजिए, मैं तब तक आई विल बाय टाइम फॉर यू। ओके guys, what this? Generally, whenever we have to solve a Rubik's cube, it takes us a lot of time, obviously, because it's a cube, and so solve करने के लिए, you know, you'll have to understand how what to do, क्या करूँ. So I want to come up with a better solution. So let me just try and move this way, and just there you go, it's completely solved now. एक सेकेंड में। क्या बात है सर, क्या बात है, मतलब अगर आप मुझे टाइम दें, मुझे ये आप रूबिक्स क्यूब दें, तो मुझे तो लगता है शायद मैं अगले एक घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे तक भी मैं सारे कलर सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर समबडी लाइक मी टू इवन सॉल्व वन कलर इन दिस रूबिक्स क्यूब, सो दिस इज टोटली अ मैजिकल थिंग। गौरव, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, आप और अक्षय भाई अभी लाइव हो राइट, मैं थोड़ा बैकएंड में मेरे कुछ काम करना है, तो आप बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप बात करें ना तो अपना माइक म्यूट अनम्यूट कर लीजिएगा अपने पास से ही, मैं नहीं करता हूं, ठीक है। ये शक्ति दी है मुझे ऊपर वाले ने म्यूट और अनम्यूट करने की, इसी अंगूठे से काम होगा। ओके, एंड नितेश लाइन पर है, मैं नितेश को भी लाइव डाल दिया मैंने, नितेश आपके साथ है, अपना माइक का आप ध्यान रखिएगा प्लीज, और गौरव 8:15 तक हमारे साथ शैरिन भैया भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। कैन वी हैव देवांग जॉइनिंग इन? हां श्योर, वी कैन, जस्ट वी कैन, जस्ट अ कॉल, यू नो, हेलो। हाँ, तो अब जो हमारे क्षितिज जी हैं विदा ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए हमसे, क्योंकि इन्हें स्टेज के पीछे का थोड़ा सा काम संभालना है। एक्चुअली वहां पे इन्होंने एक गद्दा लगाया हुआ है जिसके ऊपर ये जाके लेटने वाले हैं, सोने वाले हैं। तो अभी हमारे साथ में तीन महानुभाव जुड़े हुए हैं, अक्षय लक्ष्मण जी, देवांग जी और नितेश जी, तीनों ही अपने अपने कार्य क्षेत्र के एकदम महारथी इंसान हैं। तो आप अभी अक्षय जी आपने हमें दिखाया है थोड़ी देर पहले कि रूबिक्स क्यूब आपने सॉल्व किया, ऑल द कलर्स यू सॉल्व वेरी इजीली, तो अगर आप इसके अलावा भी थोड़ा सा एक ऐसा कुछ मेंटलिज्म का कोई ट्रिक या फिर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस अगर हम सभी लोगों को और हमारी ऑडियंस को दिखाना चाहें। ओके, तो एक मेंटलिज्म का एक नमूना आपके लिए मैं पेशे खिदमत आपको करता हूं। ओके, आई होप एवरीबॉडी कैन सी दिस, कैन यू सी, जस्ट मेक श्योर दैट द कार्ड्स आर शफल्ड, ठीक है, दिख रहा है आपको, पत्ते का बैग है पूरा शफल्ड है, कार्ड देखे आपने ना, सारे मिक्स्ड है अंदर, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। ओके, मैं इनको और मिक्स कर देता हूँ आपकी आंखों के सामने, सो दैट यू नो ऑल द कार्ड्स आर जेन्युइनली मिक्स्ड एंड शफल्ड। नाउ हियर इज द थिंग,
गौरव आप एक काम करो, आप इसमें से एक कार्ड अभी चूज करने वाले हो, ठीक है, लेकिन वो आप कैसे करोगे, क्योंकि आप तो हो ही नहीं यहाँ पे, तो मैं ना इनमें से कार्ड्स को एक एक करके नीचे रखता जाऊंगा, ऐसे एक दो तीन ऐसा करता रहूंगा, कहीं पे भी आप मुझे रुकने के लिए बोल देना, स्टॉप बोल देना, एग्जैक्टली वो कार्ड आपका होगा, और ताकि कोई इंटरनेट पे लैग नहीं लगे, इसलिए मैं जितना स्लो डील करूंगा उतना बेटर, ताकि सबको पता हो कि जहां आपने रोका है मैं वहीं रुका हूं, ओके, एक सेकंड से भी डिले नहीं हो, ओके, सो लेट मी स्टार्ट, आई विल स्टार्ट डीलिंग देम डाउन, 1 2 3 रोक दीजिए, रोक दीजिए यहाँ पर, हाँ जी, हाँ जी, ओके, देख लीजिए कार्ड, ओके, देखिए आपको थोड़ा सा साइड कीजिए, हल्का सा साइड, और दी अदर साइड, दी अदर साइड, यस यस, ओके, अब दिख गया, ठीक है, ठीक है, एवरीबॉडी रिमेंबर दिस कार्ड, 8 of diamond, भूलना मत ये कार्ड, ये आपका चुना हुआ कार्ड है, ठीक है, इसको मैं वहीं रख रहा हूँ जहां से इसको उठाया था, और बाकी पत्ते ऊपर रख दे रहा हूँ, एंड नाउ व्हेन आई मिक्स अप द पैकेट, नाउ व्हेन आई मिक्स अप द पैकेट, टेल मी, डू यू हैव एनी आइडिया आपका कार्ड कहाँ गया अंदर, डू यू हैव एनी आइडिया एट ऑल, कह नहीं सकते, आई एम क्लूलेस अबाउट इट, आई डोंट इवन नो व्हेयर द कार्ड इज राइट नाउ, ओके, नोबडी नोस, राइट, 8 ऑफ डायमंड, नितेश जी, आई वुड लाइक यू टू नाउ गिव मी अ नंबर, समथिंग लेस देन 15, नितेश 15 से नीचे कोई नंबर बताइए, एक बार बताइए, एक बार, नितेश इफ यू कुड जस्ट सेंड इट इन अ चैट टू मी, चैट टू मी, लाइव चैट, लाइव कमेंट्स अगर आप डाल दें, अगर आप डाल दें तो, एज यू ड्रॉप द मैसेज, ड्रॉप द मैसेज, या नितेश ने 12, नितेश आप शो कर सकते हैं, नंबर शो कर सकते हैं, 1 and 2, 12, ओके, नाउ हियर इज द थिंग, योर कार्ड वाज द 8 of diamond, ही सेट द नंबर 12, वुड इट बी अमेजिंग और वुड इट बी इंप्रेसिव इफ द 8 of diamonds योर कार्ड इज एग्जैक्टली द 12th कार्ड राइट नाउ, हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो मतलब मेरे से तोते उड़ जाने वाले, तोते उड़ जाने वाले, let's see, I'm giving you a last chance, do you want to stick to 12, do you want to change it to something, your choice, change kare to kuch bhi number change kar sakta hu main, change kar sakta hu main, ha ha, change karte hain to theek hai, main number change karna chahunga, change karna chahunga, boliye, 1 4 14 14 14, okay, let's try, yes yes, all right, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 उन्होंने कहा था, ओके, जी 13 एंड आपने कहा 14, सुपर फेनोमेनल, मतलब क्या बात है यार, ये तो 8 of diamonds, 8 of diamonds, थैंक यू, ये तो कुछ दिमाग हिलाने वाली बात हो गई, हां वो प्रोफेशन, तो जितने भी ऑडियंस मेंबर्स हैं आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये मेंटलिज्म की जो ट्रिक है कैसी लगी, अभी तक अक्षय लक्ष्मण जी ने हमें 2 ट्रिक्स यहाँ पर दिखाई है, 1 was related to the Rubik's Cube and the second one was related to the deck of cards. नितेश की तरफ से मैं एक बात कहना चाहूंगा, नितेश said that he really enjoyed being a part of this session and especially the trick, the first one of Rubik's Cube from Akshay Lakshman. ये लिखा है क्या, सो बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस ही इज गोइंग ऑफ, ही इज गोइंग ऑफ दिस ब्रॉडकास्ट, सो मे आई रिक्वेस्ट, क्षितिज हियर टू प्लीज ब्रिंग बैक दीवान ऑन द पैनल, अच्छा गाइस, सबसे पहले ना, सबसे पहले आप लोग अपना माइक म्यूट किया करो, अगर कोई बोलता है तो डबल बाउंस बैक आती है साउंड, अच्छा देयर इज वन क्वेश्चन फॉर अस, शैरी सर कब आएंगे,
अब शेरी सर की जो फैन फॉलोइंग है मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा. इट्स अ वेरी लॉयल फैन फॉलोइंग, लेट मी टेल यू दिस. इवन इफ ही इज नॉट प्रेजेंट हियर, देयर आर पीपल हु आर आस्किंग अबाउट हिम एंड इट्स नॉट जस्ट द फर्स्ट क्वेश्चन which has been asked about him. There have been many questions which I missed lately. I didn't want to say, I didn't want to ask the question. Okay, so we have another beauty here with us. We have Akanksha. Akanksha ji, kaisi hain aap? Ekdam badhiya. Akanksha, kya kar rahi hain? Kya chal raha hai? Filhal aap logon ke saath jud chuki hu. देवांग, क्योंकि आकांक्षा आई है तो क्यों ना आकांक्षा के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग डेडिकेशन हो जाए, क्या कहते हैं? ओके, फॉर श्योर. ओके, सो एक बहुत ही प्यारा सा गाना है और आई एम श्योर ये गाना भी सबने सुना होगा. सो इट्स फ्रॉम द मूवी क्रुक एंड ये उस मूवी का आई गेस सबसे पॉपुलर सॉन्ग है. सो आई होप यू लाइक इट. एंड बाय द वे, हाय आकांक्षा, आई होप यू आर डूइंग गुड. So, hello. This one's for you. I hope I'm audible. काफी देर से देख भी रही थी और मुझे आपके सारे सॉन्ग्स बहुत पसंद आए. यू आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. सो बाकी लोग कहाँ हैं, हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं. ओके, सो गौरव, वी नीड यू. जी बिल्कुल, मैं आ गया हूँ. एक्चुअली एक सेकंड ना, मैं मेरा आकांक्षा से एक सवाल है यार. तो मेरा क्वेश्चन ये है आकांक्षा, यू आर इन अ, यू गॉट स्टक इन अ डिफरेंट सिटी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, राइट? या एग्जैक्टली. सो हाउ डिड यू गेट स्टक? मतलब यू हैड गॉन देयर फॉर एन इवेंट और अचानक से वो डिक्लेयर हो गया लॉकडाउन, या क्योंकि उसके बाद भी टाइम था ना टू ट्रैवल बैक, या नहीं था? हाउ, व्हाट इज द सिचुएशन? माहौल उस टाइम तक बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, तो मेरे पापा का ये सजेशन था, एडवाइस था कि तुम वहीं स्टे करो, तुम सेफ रहोगी एंड तुम अपनी फैमिली में रहोगी, तुम ट्रैवल करोगी तुम्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. देन वी डिसाइडेड इट्स ओके, कुछ नया भी सीख लेंगे, कुछ नए अनुभव हो जाएंगे, एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे, लाइफ इज गुड एंड आई एम एक्सट्रीमली एंजॉयिंग इट. I actually thought कि तुमको अभी कोई इवेंट के लिए आप गए थे वहाँ पे और वो क्लाइंट बेचारा ठहरा रहा है कहीं पे और he's taking care of whatever. Of course not. बच्चे मजा आ रहा है क्योंकि लॉकडाउन में it's good कि दिल्ली से बाहर जो हालात हैं दिल्ली के, जो हम डेली न्यूज़ पे देख रहे हैं, so I'm happy कि मैंने ये decide किया कि मैं वहाँ नहीं गई और मैं यहीं रुक गई हूँ फिलहाल, because my family is there, तो मुझे पता है कि they are suffering from a lot of things.
Oh my God. I just hope your family is safe and I just wanted to understand this. So yeah, ye jaan ke thoda abhi aisa hai ki haan, this is quite comfortable that you are with your family and everything. So yeah, no, that was great. Gaurav, I'm not trying to steal your job. It was just really a curiosity. I wanted to ask her ki what is the scene. Koi dikkat nahi. Main aise logon mein se hoon, Akshay ji. Jahan main sirf mauke deta hoon, mauke. मतलब मैं ये मौके देता हूँ कि आगे वाले इंसान को मेरा काम करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. एंड आई रियली एंजॉय इट, स्पेशली व्हेन ऑल माय पैनलिस्ट आर इन सच अ मूड, दे आर सो कंफर्टेबल विद ईच अदर दैट दे आर टेकिंग केयर ऑफ द जॉब्स और द पार्ट ऑफ द अदर पर्सन ऑफ द अदर आर्टिस्ट व्हाइल दे आर नॉट डिस्टर्बिंग एनी. एंड आई बिलीव नो वन इज डिस्टर्बिंग एनीबॉडी इन दिस पैनल एंड एवरीवन इज हैविंग सच अ ग्रेट एंड गाला टाइम. और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं. आकांक्षा भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, क्षितिज भी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप भी हमारे साथ हैं आकांक्षा. तो आकांक्षा अभी आप अभी भी बाहर हैं क्या? अभी भी आप दिल्ली में नहीं है? आकांक्षा यू आर ऑन म्यूट, इफ यू कुड अनम्यूट फर्स्ट. फर्स्ट अरे जो होस्ट है वही करते रहो म्यूट अनम्यूट आरजे की तरह. एंड इसका सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो हुआ है मेरी डिग्री पे, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, बट फाइनल एग्जाम्स निकल गए हैं. So I am waiting कि जल्दी खत्म हो so I can go back to my home. कोई दिक्कत नहीं है आकांक्षा, रोना नहीं बिल्कुल भी, रोना नहीं बिल्कुल भी, मैं बता रहा हूँ. Everything will be good and everything will be alright and back to normal, provided हम सभी लोगों को एक दूसरे का बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा. And at society at large we need to take care of. सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम अपने बारे में सोचें और अगर हमारे घर की सब्जी खत्म होगी तो हम बाहर चले जाएं सब्जी लेने के लिए बिना मास्क पहने. वी शुड, इवन इफ वी आर गोइंग आउट फॉर सम एसेंशियल परचेजेस, देन इन दैट केस आल्सो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स एंड वी आर वेयरिंग द मास्क एंड वी आर नॉट टचिंग सो मेनी ऑब्जेक्ट्स विच वी शुडंट बी टचिंग, बिकॉज आपको नहीं पता कि कौन सी एक ऐसी जगह है जहां से आपको कोरोना के जो वायरस है वो आपके ऊपर हावी हो जाए और कहीं आप बीमार हो जाए, आपकी फैमिली बीमार हो जाए और स्टैटिस्टिक्स में आपका भी नाम जुड़ जाए. So what I want to say is to all the people who are watching, कि एक statistic बनने से बचिए, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए. दोस्तों मैंने गला साफ इसलिए किया है क्योंकि जो हमारे special guest हैं आज की शाम के वो हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं. And as you all can see, there is a picture on the screen, and the picture says the band of boys is back. So band of boys के बारे में मैं आपको बता दूं, 5 एल्बम्स रही और पिछले 20 साल के करियर में इन्होंने बहुत अच्छे से एंटरटेन किया है हमारी पूरी ऑडियंस को, हमारी पूरी इंडस्ट्री को, हमारे पूरे कंट्री को. एंड दे आर द फर्स्ट एंड द ओनली बैंड ऑफ बॉयज इन आर कंट्री. ईडीएम, बीडीएम, टेक्नो, इलेक्ट्रिक म्यूजिक, इस तरीके के बहुत सारे जॉनरा को प्ले करते हैं. एंड आई एम गोइंग टू कॉल हियर ऑन द पैनल विद अस द panel is the special guest of this lockdown fusion episode 12. May I request our chief and the special guest to be here with us, and I request each and one please put your hands together and a round of applause and let us welcome Sharin Varghese here amongst us. Ek baar Sharin Varghese ji ke liye zordaar taali ho jaye sabhi ek taraf se. To Sharin ji thodi der mein hamare saath mein judne wale hain yahan par. आकांक्षा मैं अगर आपसे पूछूं तो कौन सा एक गाना आप चाहेंगे कि आप उनसे सुने, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अपने दिमाग में प्लीज प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि जैसे ही शरण वर्गीस हमारे साथ यहाँ पर आते हैं उस टाइम पर सो ही इज हियर मैन ऑफ द इवनिंग इज प्रेजेंट हियर इन फ्रंट ऑफ अस ऑल. एंड एज यू कैन सी हम गरीब लोग अपने घर में पर्दा लगा लगा के देखो जगह बना रहे हैं कैसे भी और एक 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 हमारे सामने एक महानुभाव अभी आए हैं अपने साउंड प्रूफ स्टूडियो में बैठे हुए हैं. बट डेफिनेटली ही हैज अचीव्ड ऑल दिस विद ऑल द हार्ड वर्क ही इनसाइड ऑफ हिज करियर. Sir, how are you? This is the first question which I have for you. Thank you. I'm very fine. Gauravji, Akanksha ji, Akshay, and Kshitij, thank you for taking me in into this lovely conversation. I've been watching you guys since 7 o'clock onwards, right? And it feels really nice that you guys thought of me to, like, you know, include me in this wonderful conversation that you guys have been having for so long. It's a pleasure to have you on board. It feels nice. Thank you. I'm elated. I'm honored. And
I mean, I would just like to cut to the chase directly, okay, if there's anybody else. First, I would like to give credit to the gentleman called Shitesh from Events Hunger, who's been instrumental in putting together this for quite some time. I've been observing that he's been doing this kind of post for some time, and kuch der se matlab kahan kahan ja ja ke ek ek apne apne doston ko jitne bhi sare unke सेलिब्रिटी फ्रेंड्स रहे हैं, मतलब जो भी उनके साथ शोज कर चुके हैं, उन सबको जोड़ जोड़ के मतलब एक पैनल में ला के ट्राइंग टू कीप द होल कम्युनिटी अलाइव एंड कीप द होल इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड एज आई वुड कॉल इट. आई थिंक इज डूइंग अ फैबुलस जॉब. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस टू प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ वर्चुअल क्लैप्स टू दिस जेंटलमैन. सो बिल्कुल सर, ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम लॉकडाउन फ्यूजन. एंड आई वुड आल्सो लाइक टू सॉरी Yeah, yeah, sir, yeah, please, yeah, sir, please, please go on. And I would also like to compliment and congratulate each one of you guys, panelists. You know, you guys are also like special individuals. You all are from the industry and you all are doing a fabulous job of keeping everybody sane. Right, so thank you very much. We are trying our fair share of doing some goodness, spreading some positivity here in society. So that those who are back at their places, they must be thinking, भैया बहुत दिन हो गए हम बाहर नहीं जा पा रहे, अपने घर से करें तो क्या करें? एक बार तो मोदी जी ने बोला है बालकनी पे, दूसरी बार भी बोला, तीसरी बार नहीं बुला रहे. लोग कह रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है बालकनी से कूद के बस नीचे गिर जाऊं. यहाँ पे शायद अक्षय कुछ जादू कर रहे हैं. बट दैट्स व्हेन वी आर कमिंग टू द पिक्चर सर. हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी ऑडियंस है हमारे, सब लोग अपने घर पे ही बने रहे, बाहर ना निकले, परेशान ना हो. और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा ना बने, वो अपने घर पे अपने फैमिली मेंबर के साथ एंजॉय करें. एंड देन वी आर हियर इन द 12th एपिसोड एंड यू आर हियर विद अस. One question which I have for you, sir, that is, Gaurav. One question I have for you is, how difficult was it in the very beginning, forming a band and getting shows. And bringing some good music out there for the society. This is a very long story. I think तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको एक बार सी ऑफ कर दीजिए. अक्षय जी के बारे में क्या बोला? अक्षय जी के बारे में मुझे अचंभित कर दिया. वो सो सो वेरी अमेज्ड एंड स्टुपिफिकेटेड फॉर द फैक्ट बिकॉज़ ही गेस्ड द कार्ड व्हिच आई हैड अर्लियर पिक्ड. एंड सो फॉर ऑल दैट ग्रेट मेंटलिज्म ट्रिक्स एंड द एक्टिविटीज व्हिच ही शोकेस्ड हियर अमंगस्ट अस ऑल, मैं आपके लिए अक्षय जी एक बार अपनी तरफ से अपने दिमाग में एक बार वर्चुअली तालियां बजाऊंगा, आपसे गले मिलूंगा, आपसे हाथ मिलाऊंगा. बिकॉज सोच में तो हम हाथ मिला ही सकते हैं, मतलब देखो कोरोना बाहर है पर सोच पे किसका कंट्रोल है. सो फॉर दैट आई विश यू गुड लक एंड वुड लाइक टू थैंक यू ऑल्सो फॉर बींग हियर विद अस ऑल एंड शोकेसिंग अस सम ऑफ योर मेंटलिज्म ट्रिक्स. थैंक यू वेरी मच फॉर बींग अ पार्ट ऑफ द सेशन. गौरव जस्ट अ मिनट, मैं अक्षय भाई से मैं एक वो करना चाहूंगा रिक्वेस्ट कि अक्षय भैया आप एक छोटी सी ट्रिक हो जाए शैरिन भैया के साथ, बिकॉज आप दोनों दोस्त हो काफी लंबे टाइम से, तो एक ये चीज बनती है. शैरिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू नीड टू कीप योर माइक ऑन म्यूट. ओके ओके शैरिन यू रेडी? ऑलराइट. So, Shirin, see, I have a pack of cards over here, okay? You can see, all cards are different over here, all right? Lekin, there's something special about it, okay? As you can see, all the cards from the back as well, right? Aage se, peeche se, all sides, you have seen the cards. One of these cards na, has my name written on it, theek hai? Ek card pe mera naam likha hua hai. Sirf ek card pe. You don't know which one it is. Only I know which one it is, okay? So, Shailen, you are going to pick one of the cards now, but you have a choice. You can either pick a card like this, like facing up, or you can pick a card facing down like this. How would you like it? Facing up or facing down? Facing up, you just said, right? Okay, your mic is on mute, I believe, Shailen.
Facing up, meaning I have to see what is happening. Okay, facing up, okay. All right. Now, Sharin, what's going to happen is I'll just start keeping the cards down one by one. Wherever you feel like, you stop me exactly over there, okay? Mic on karke, jab us waqt stop bol dena, okay? Stop. This one? The nine of spades, right? Okay? Kya hua? This one, right? Nine of spades, right? Yeah. Do you want to stick to nine of spades? You want to change it? No, I'm fine with number nine because I'm a number nine. Acha, okay. Now remember, you could have selected any card, right? Yahan se, but you stopped on nine of spades. Again, I showed you all the cards from the front and I have shown you all the cards from the back as well. But for some reason, you chose the nine of spades, which has my name written on it, Akshay. Maru tali sollu. Thank you very much, Akshay. Thanks a lot for being a part of the session. Love you, Sharin. Itne time baad we met, but this way it was so much fun. Thank you. Gaurav, you were asking me a basic question. I'll just like run through people. You asked me whether this is, how did India's first and only boy band form? Exactly, sir. And how difficult was it? I believe it would have been really very special. And challenging also. It came out, which was when indie pop was like, you know, at its peak. All right, we were formed in the typical production sense where we were a produced act, you know, we were a manufactured act. Char bande jo matlab microphone de do haath mein to matlab sabko pata hai ki matlab ek audience samne ek ho ya 1000 ho ya 1 lakh ho, unke sath kya bolna hai, kaise bolna hai, unse kaise pyar nikalwana hai, ye in ladkon ko pata tha. Aur sare thode bahut TV mein matlab namcheen. सबका बेसिक रिक्वायरमेंट ये था कि सब सारे सिंगर्स हो एंड दे हैड टू लाइक मोर लेस नो हाउ टू लाइक डांस. तो ये जो रिक्वायरमेंट थी हमारी एंड वेरी ऑनेस्टली वी वर वेरी लकी क्योंकि उस टाइम पे इस तरीके का कोई एक्ट था नहीं एंड वी आर द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. फिर वो 2000 से लेके जब फॉर्म हुआ, जब स्थापित हुए हम, वहाँ से लेके 2002 तक हमने सिर्फ ट्रेनिंग की. उस दौरान is when we became India's first and only boy band. और उसी चीज़ की हम अभी तक खा रहे हैं. Had we not gone through that grind, had we not gone through that whole trials and tribulations and fights and fisticuffs, एक दूसरे को बहुत मारे हैं पीटे, हम बहुत अपने आप को समझे हैं कि किसकी ताकत कहाँ है, किसकी कमी कहाँ है. This was done without any television cameras on us, without anything. We were just like on our own. मैं तो मलाड से महालक्ष्मी में मतलब बाइक पे हीरो से जीरो, सॉरी जीरो से हीरो बनाऊँ. You know what I'm saying? तो ये एक जर्नी रही है एंड सेवरल पीपल वर पार्ट ऑफ इट. देयर वाज विनोद नायर हु वाज द एमडी ऑफ क्लियर पब्लिक रिलेशंस हु पुट दिस होल एक्ट टुगेदर, जो करण को मिला था और करण को बोला कि भाई करण अपना एल्बम लेके घूम रहा था और ये जो साहब है विनोद जी नायर, ये कॉलोनियल कजिन्स के साथ मतलब बहुत घूमते थे. तो विनोद ने बोला कि तू तेरे से पास लौंडो को और ले आ. तो सिद्धांशु हैपन टू बी करण नेबर और करण को मैं मोवज एंड चेकर्स के थ्रू जानता था, वो गेस्ट बन के आया था. चिंटू भोसले ठहरा आशा भोसली जी के पोते, सिद्धार्थ अल्दीपुर अमर जी के बेटे. तो ये सब लोग जो थे अपने आप में क्वाइट ऑन इट्स ओन, दे वर स्टॉलवर्ट्स ऑन देयर ओन, यू नो, दे हैड सम मेटल एंड सम लेगेसी बिहाइंड देम. देन इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ लेस्ली लुइस फाइंडिंग द राइट पोर्शंस फॉर अस, द ट्रेनिंग. देन वी हैड अ होल टीम. आई रिमेंबर उस दिन, उस दौरान हमको सिर्फ बोला गया था कि मतलब सर आप सिर्फ गाना बना के ले आओ, बाकी सब कुछ हम लोग देख लेंगे. और लिटरली सब कुछ देख जाता था. आई मीन आई एम श्योर यू नो आई फॉरगेट द जेंटलमैन्स नेम हु वाज सिंगिंग जस्ट बिफोर अस इन द रेड शर्ट. देवांग वाज सिंगिंग, यू नो, देवांग वुड प्रोबब्ली रिलेट टू दिस. यू नो, नाउ डेज इट इज नॉट जस्ट अबाउट अ सॉन्ग. ऑडियो वीडियो मास्टर तो इज अ गिवन, बिलबोर्ड मनी, ओके, एडवर्टाइजिंग मनी, रेडियो मनी, टेलीविजन मनी, डिजिटल स्पेंड,
it's all, you know, social media spend. It's all just so much of things that you have to do, and there are so many number of things that you have to kind of take care of yourself. You know, and nowadays it's even difficult to even get a label. In those days, the label is, sir, aap idhar aajao, sir, aap idhar aajao. You know, it used to be the other way around because tab content nahi tha utna. You know, to wo ek 15 saal ka ek golden run tha called indie pop. जो मेरे ख्याल से अलीशा चिनाई से शुरू हुआ था, लास्ट जाके रब्बी शेरगिल पे खत्म हुआ है. ये आई वुड से सम 95 to 2008, दिस वाज द गोल्डन रन. उस दौरान जो जो बाहर आए उन सबकी लॉटरी लग गई. यही है आज की तारीख में. देर आर सो मेनी सिंगर्स, देर आर सो मेनी म्यूजिशियंस, देर आर सो मेनी आर्टिस्ट. इट इज सो डिफिकल्ट टू कट थ्रू दिस एंटायर थिंग. सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट. बट एट द सेम टाइम, if you were to see, it's also easy to filter away from the noise. Itna sara matlab jab kachra hota hai usme se acche kafi easily bahar aa jate hain. So it's a double edged sword. So to answer your question, whether it was like, you know, whether it was easy, definitely it was not easy. For the first 2 years we kept saying album ko aayega, album ko aayega, album ko aayega. But jab ek bar aa gaya, wo jo 10 saal jo humne sab dekhe hain, we've had panties thrown at us on stage. Okay, we've had the best in all kinds of world. Any act we were into four because we were four singers. So, हमें से कोई थकता ही नहीं था, because दो line मैं गाता, फिर दो line चिंटू, फिर दो line सिद्धांशु, फिर दो line करण. तो बाद में chorus में जाके सब जोड़ के harmony में. So it used to be like a very non thakela act, you know. मतलब सब, मतलब अरे ये भी कर लिया, अरे वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, अरे वो भी कर लिया. तो every single individual was part of the band. सबके अंदर इतनी शक्ति थी, मैं बोलूंगा सबके अंदर इतना जज्बा था कि वो आप कह रहे हैं जैसे दो दो लाइन, मुझे तो लगता है अगर 200-200 लाइन भी गाते तो भी नहीं थकने वाले थे कैसे भी. डिपो वाला चक्कर था कि मतलब हम चार लकड़ी थे, जब साथ में बन जाते बहुत बड़ा एक भूसा बन जाता जो टूट ही नहीं पड़ता था. तो दिस वॉज द एंटायर कोर आइडिया. डिविजन ऑफ लेबर था कि 8 to 80 का डेमोग्राफिक जो बोलते हैं ना, 8 से 80, ये पूरे डेमोग्राफिक को हमको संभालना है. ठीक है, तो पांडे जी मतलब सारी आंटियों को पकड़ लेते थे, करण जी सारे मॉडल टाइप्स को पकड़ लेते थे, चिंटू बॉय नेक्स्ट डोर, मैं मेरे रॉक स्टार, और सिद्धार्थ हमारा बॉय ने अपना, सिद्धार्थ वॉज अ स्पोर्टी स्पाइस. तो ये एक हमारा एक मॉडलिंग था, यू नो, एंड वी वर लाइक लिटरली गिवन रेफरेंसेज फ्रॉम द स्पाइस गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम द बीटल्स, फ्रॉम, सो वी हैड स्टडीड ऑल ऑफ दीज मॉडल्स एंड वी टुक 2 years टू कम आउट. And I just feel technically at the end of it all, we just happen to be lucky. It could have been anybody else instead of Sharon Varghese or instead of Chintu or instead of Karan. But the fact that we all stuck together and gave it that time is what made a band of boys. Together as a band of boys, I don't think there is an act which is like us even now in the country. And I feel very blessed and I feel very thankful that like today a young man like Kshitij knows us inside out and he knows that kuch karna hai. सर भैया इनको बुला दो सर, ये कर देंगे सब कुछ, ऐसा करके बुला देते हैं. तो सो यू नो, तो इट फील्स वेरी नाइस टू बी एक्नॉलेज्ड, टू बी ऑनर्ड एंड टू बी इवन पार्ट ऑफ पैनल्स लाइक यू गाइस. आई मीन दिस बॉय डिड अ फिनोमिनल जॉब ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, आई वाज ट्यूनिंग इनटू हिम, सो थैंक यू. बट सर गॉड न्यू इट हैड टू बी यू गाइस. मतलब आप लोगों को ही होना था, आप ही लोग हुए. मुझे एक टाइम याद है कि अच्छा क्षितिज आज अपने अंदर जो पावर दी है ऊपर वाले ने, तो वो कह रहा है कि गौरव आज तो आपको मेरी कमेंट पढ़नी पड़ेगी, तो मैं एक कमेंट पढ़ देता हूँ. एंड द कमेंट सेज, शेरिन भैया इफ अगर आप आज एक गाना गाओ और वो गाना होना चाहिए मेरी नींद उड़ गई है, और दूसरा गाना हो सकता है आज है मेरी जान. क्षितिज जैन इज सेइंग दिस. क्षितिज याद रखना इस कमेंट के बाद आपको बाकी मैं अनम्यूट कर देता हूँ, वेट जस्ट होल्ड ऑन. सो मैं कह रहा था कि
जो हमारे क्षितिज हैं उनका एक कमेंट है जो आया हुआ है, वो कह रहे हैं कि शरीन भैया आज तो मेरा गाना बनता है, मेरी नींद उड़ गई है, या फिर आजा मेरी जान। क्षितिज, जिसके बाद में आपको बाकी लोगों के कमेंट्स भी लेने हैं, याद रखना, याद रखना, सिर्फ आपके कमेंट्स नहीं चलेंगे, चलेंगे। आपने बहुत सारे कमेंट्स होल्ड कर रखे, आई नो अबाउट इट, यू वांट मी टू पिक योर कमेंट फर्स्ट, आई हैव पिक्ड इट ऑलरेडी, एंड वंस ही गिव्स अस द आंसर, वंस ही परफॉर्म्स एनी वन ऑफ दी सॉन्ग्स, वी विल मूव ऑन टू द अदर, टू द अदर। आई डू अ स्मॉल लाइन, मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है। मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है। ओ यारा आजा मेरी बाहों में आ, ओ यारा आजा मेरी बाहों में आ। मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है। नन्ना 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 ना, I hope that was okay. Sorry, I tried to do something. Yes, it was. It was phenomenal. It was not just okay. It was phenomenal. It went out of India. We have people watching us from Russia also. Out of India, we have people watching us from Russia also. So there is a hello coming from Maria. So there is a hello coming from Maria from Russia. Yes. Yes, I'm aware of Maria Potapova. She's a regular fan of Band of Boys. Band of Boys. Okay, so there's this constant feedback which keeps happening, so we don't have any control over it, so I don't know how to like take care of that. I'm guessing it comes when we both try to keep a mute off, or mute on rather, right? Bulie. Yes, hello Maria, how are you? Good to see you here again. Sharon bhaiya, एक लास्ट गाना है आपकी तरफ से, मेरी जान, ठीक है? उसके बाद देवांग है, देवांग ने एक आपके लिए गाना प्रिपेयर किया है, तो वो भी परफॉर्म करने वाला है आपके लिए, जस्ट वन मोर सॉन्ग। एक सेकेंड रुकिए, आजा मेरी जान, तुझ पे मेरा दिल कुर्बान, धड़कन है शोला ये बदन, लचके जैसे कुल बदन, दिल में है तूफान, ओ वे ओ मेरी जाने जा, ओ वे ओ, ओ वे ओ मेरी जाने जा, सॉरी जस्ट मस्ती कर रहा हूँ थोड़े रिवर्ब और डिले के साथ। मुझे बड़ा मजा आ रहा है इसलिए मैंने सोचा कि शायद आप लोगों को थोड़ा मजा आ जाए। सर ये जो मजा जो आर्टिस्ट ले रहा है वो मजा बाहर भी लोगों को पता चलता है, और स्टेज पे मैं इस बात की पूरी गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ, ऑल्दो मैं कभी देख नहीं पाया आपके शो को लाइव, बट आई एम 100% श्योर अबाउट इट कि जब भी आपका शो स्टेज पर होता होगा, स्टेज पर आप होते होंगे, तो ये जो रॉक स्टार पर्सोना है आपका, डेफिनेटली ये वहां पर खड़े लोगों को, लड़कियों को, लड़कों को, एंड एवरी वन ऑफ ऑल द एजेस अलाइक, सभी लोगों को झुमाता गदगदाता जरूर होगा। सो सच इज द करिश्मा यू हैव एंड योर वॉइस हैज, कि आप यहाँ पर भी आप अपना 100% देर, आई मीन देर आर पीपल, देर आर आर्टिस्ट, दोज वुड बी लाइक कि चलो अपने एल्बम में बहुत अच्छे से मेहनत करके गाएंगे, या फिर अपने स्टेज पर अपने सॉन्ग को अच्छे से परफॉर्म करेंगे, बट देन वी हैव आर्टिस्ट लाइक यू दोज हु आर गिविंग देर 100% being here in this live broadcast. I think a big, big applause from my side to you, sir. Okay, Gaurav, देवांग ने एक गाना प्रिपेयर किया है शरीन भैया के लिए, तो मैं चाहूंगा कि देवांग एक तो वो परफॉर्म करे, देन हमारे साथ शैरी भाई जुड़ चुके हैं, तो एक बार शैरी भाई को आप शरीन भैया से इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ऊपर जो मैं देख पा रहा हूं मेरे पास इस लाइव ब्रॉडकास्ट में, ऊपर है क्षितिज जैन, डायरेक्टर ऑफ इवेंट संगर, देन देयर इज मी एंकर गौरव अकांगली बाबा, एंड वी हैव एंकर आकांक्षा हियर विद अस, और जो नीचे वाला जो पैनल है, ये नीचे वाला पैनल काबिल-ए-तारीफ है भाई, मैं आपको सभी लोगों को बता दूं,
यहाँ पर बड़े दिग्गज आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, बड़े दिग्गज आर्टिस्ट बैठे हुए हैं और एक से एक बढ़ के ये आर्टिस्ट हैं, इनकी कला के तो क्या ही कहने। शेरी पाजी हैं यहाँ पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे देख रहे हैं, शेरिन वर्गीस हैं सेंटर ऑफ द स्क्रीन, एंड देन वी हैव देवांग हु इज अ मैजिकल पर्सनैलिटी ऑन गिटार एंड विद हिज वॉइस। सो ये तीनों यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तीनों यहाँ पर जुड़े हुए हैं और नोटिस करोगे ना तो आप देख सकते हो कि बीच में सेंटर में बॉस है एंड देन साइड में, अब आप सोच सकते हो क्या चीज है। मैं तो कह रहा हूँ ये त्रिशूल बना हुआ है, ये त्रिशूल बना हुआ है, इट्स अ ट्राइडेंट नाउ व्हिच वी आर सीइंग एंड दिस ट्राइडेंट इज गोइंग टू एंटरटेन अस ऑल। तो बात कही गई थी मुझसे कि देवांग हैज प्रिपेयर्ड अ सॉन्ग एंड हिट बी प्रेजेंटिंग दिस सॉन्ग, सो आई रिक्वेस्ट देवांग टू प्लीज डेडिकेट दिस सॉन्ग टू शेरिन वर्गीस। For sure. Thank you so much for this wonderful introduction, Gaurav. Good evening, very, very good evening, Sherin sir. I hope you're doing well. And I'm very, very glad to share this opportunity to share the screen with you. And thank you so much, Shitesh, for doing this. I am really obliged and very, very happy to, get this opportunity. So, Sherin sir, I'm sure aapne wo gaana zarur ga diya hai, but I would like to sing that again. And if you allow, if you just allow, so what, so mera band hai Jaipur mein, I'm from Rajasthan. So what I have done, or let's say what the singer of my band and we have done is we have tried to mash the same song, Meri Neend Ud Gayi Hai, with some other songs as well. So I'll try to take one line from each of the song, and I hope you like the mashup and everybody enjoys this. Right. Thank you so much. Zarur, please. And by the way, I really loved the concept of you using the vocal processor, mixer, delays, reverbs, harmonizer, everything. I'm aware of what you're doing, so trust me, I know what kind of efforts you're putting in over here. So, but I have no mixer as of now over here, but I would have done that. But again, hey man, thank you. It's first the talent, okay? And then it's the gear. It's not the gear, it's the man behind the gear. All right, so go for it. Thank you so much. जब सारा जग सो जाता है, नींद मुझे क्यों आई नहीं? वे ओ वे ओ, जिसके साथ मैं तेरे को कल जरूर आया। वे ओ वे ओ, जिसके साथ मैं तेरे को कल जरूर आया। और क्या कहे जाना समझा करो, ओ इसके आगे हम और क्या कहे जाना समझा करो। मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन हो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है। मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन हो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है। ओ यारा आजा मेरी बाहों में आ, ओ यारा आजा मेरी बाहों में आ। सामने ये कौन आया दिल में ली हलचल, देखके बस एक ही झलक हो गए हम पागल। अरे बातें मुलाकातें हमसे भी तो होगी, अरे हमसे गुजरेंगे वो आज नहीं तो कल। सामने ये कौन आया दिल में ली हलचल, देखके बस एक ही झलक हो गए हम पागल। Thank you so much. Thank you.
थैंक यू देवांग, थैंक्स अ लॉट। देखो जब भी मैं आपकी आवाज सुनता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है आपकी आवाज सुनने में, और आपने ये प्यारा सा गाना यहाँ पर डेडिकेट किया शरीन वगी सर के लिए। शितेज आपको म्यूट करना पड़ेगा। आई थिंक नेटवर्क कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया है। हियर इज जस्ट अ मिनट। ओके कैन यू हियर मी? ओके मच बेटर। सो बॉलीट्रॉनिका, the name is quite self explanatory, Bollywood electronica, dono ko jod diya. Now typically Bollywood would have Bollywood songs are generally meant as promos for a film, right? Not that Bollywood has not written any other kind of songs, but indie as such, from the genre to which I belong, has always been independent music, jahan pe hum gaane, matlab meri balcony mein jo patta gir gaya uske upar se sab likh sakte hain, meri behan ke bare mein likh sakte hain, आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में लिख सकते हैं। यू नो सब्जेक्ट इज क्वाइट वास्ट, सब्जेक्ट बहुत वास्ट होता है और सब कुछ सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, तो जो कुछ भी हम लिख रहे हैं उसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती, क्योंकि आप अभी तक 20 साल पुराने गाने गा रहे हो और सब लोग घूम रहे हैं। ये चीज़ आप पिछले महीने जो फिल्म आई है उसके उसके कोई गाने को लेकर करिए तो वो नहीं आएगा। उसकी दो तीन वजह हैं। एक तो ये है कि मतलब उस टाइम पे मतलब म्यूजिक इतना था नहीं, तो जो बनते थे बहुत सोच समझ के बनते थे, जो आर्टिस्ट कलाकार जो गाने बनाते थे उनको सोचने का वक्त मिलता था। तो when you राइट अ सॉन्ग, यू आर राइटिंग अ सॉन्ग विथ लाइक विथ अ बिग शेल्फ लाइफ, यू नो। ओके, विच इज द रीजन बोलते यार पुराने गाने इतना मजा है, मतलब यू नो अभी तक मतलब चल रहे हैं ये भी। अभी के गाने ऐसे हैं कि मतलब उसकी जो चंचलता है, उसकी जो चलत है, उसकी जो शब्द हैं, उसको हम ऐसा बना रहे हैं कि मतलब वो उसमें एक इंग्लिश एस्पेक्ट आ रहा है, समझी बात है। देखिए अभी आप गुमसम चुक, अगर आप ऐसा ले रहे हो और उसमें कुछ क्लासी सा कुछ डाल रहे हो तो वो टिकेगा, लेकिन आप एक इंग्लिश से शुरू करके हिंदी में जा रहे हो बीच दौरान, या इंग्लिश हिंदी से शुरू करके बीच में इंग्लिश में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जाके आप ऐसे शब्द यूज करते हो जो कलोकिल है, और जैसे लॉल है, लॉल अभी इस जनरेशन को समझेगा, अभी ये 10 साल बाद लॉल चेंज होकर कुछ और हो जाएगा, यू नो। लिट ए एफ आज के बच्चों को पता है, मेरे बाप को नहीं पता है कि नहीं। तो उसी स्टाइल में अब ये 10 साल बाद और देखेंगे तो मतलब कुछ और दूसरा सा आ जाएगा। तो अभी के गाने मतलब ये सब लॉल लिट ए एफ ये सब शब्दों को लेके बन रहे हैं, तो वो सिर्फ 10 साल ही टिकेंगे और 10 साल के अंदर ही टिकेंगे, और इस 10 साल के दौरान में हर साल में इतने सारे पिक्चर्स आ रहे हैं और इतने सारे नए नए गीत आ रहे हैं। कितना भी आप अच्छा गाना बना लो इस दौरान पे, आपको एक महीना चलना है। द वर्ल्ड्स बेस्ट सॉन्ग विल लास्ट 1 month, क्योंकि उसके बाद कोई और एक गाना आना है विच विल अगेन लास्ट अनदर मंथ, यू नो। सो तो हमारे पास क्या है, हमारे पास राग हैं, तो मैंने सोचा बॉलीवुड का राग फैक्टर को ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिका इज द वर्ल्ड एक्सपोर्ट, लाइक व्हाट वी कॉल BDM, विच इज बॉलीवुड डांस म्यूजिक, विच इज बेसिकली एन ऑफशूट ऑफ EDM, विच इज इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक। नाउ इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, उसके बहुत सारे ऑफशूट्स हैं, देयर इज टेक हाउस, देयर इज टेक्नो, देयर इज डांस म्यूजिक, देयर इज डीप हाउस, देयर इज टेक हाउस, देयर इज a complex tro, there's dubstep, there's trip hop, there's glitch hop, itne sare sub genres hai na us genre ke, aur unko dheere dheere hum log apne isme le aate hain, hum exactly 6-7 mahina us side se thoda piche chalte hain, to we absorb, we have something called herd mentality, wahan pe jo abhi kadak chal raha hai kuch 2-4-6 mahine baad yahan aa jata hai, that is world over, you know, because that side has the access to the latest technology and they experiment a lot more than we do, wahan se kuch leke, but hamare paas raag hai jo unke paas nahi hai. Not that they don't have scales or something else. Not that they don't have scales. Okay, they also have scales, and they also have medians and lydians and dorians, and you know, they also have all this. But we have color. So I thought, in dono ko zara join kar do, theek hai? Aur in dono ka ek mishran bana do, which is Bollytronica. So I take some rock based
khayals and chalats, and I try to put them into dance music. This is nothing new. Nothing new. This is quite, like, you know, well-versed. Medieval pandits, if I'm not mistaken, would be technically in my head the first act to cruise themselves into in this direction, you know. So I am very influenced by dance music. I'm very influenced by this hybrid sound of electronic and organic. मेरे को ये दोनों बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इन दोनों के बीच में अपना एक सुर निकालना बहुत डिफिकल्ट है और मैं टेक्निकली थोड़ा कीड़ा हूँ तो मुझे ये सब चीज़ों में मज़ा आता है इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा कुछ बना लूँ जो मेरा खुद का हो तो बॉलीट्रॉनिक का बोल के एक जॉनर किया दिस जॉनर इज वॉट आई बेसिकली परफॉर्म इन ऑल माई शोज आई डू वेरी हाई एनर्जी डांस म्यूजिक सेट्स एंड देयर सेट्स तो very rarely do I do one full song even when I'm with a full live band it is a mixed sound where there is the organic sound of the band which is mixed with a lot of track work which are on stems you know which I mean the three musicians here you all will understand what I'm saying you know which is ye tracks ke upar baj raha hai lekin wo tracks mein se bhi matlab kick alag ja raha hai snare alag ja raha hai bass alag ja raha hai sab kuch alag ja raha hai taki jo mix engineer front of house mein baitha hai wo aaram se usko guide karke apna ek unique sa blend banaye room ke size ke hisab se aur room ke pa ke strength ke hisab se तो इस तकनीकी चीज़ों में मेरे को मतलब घुसने में बहुत मज़ा आता है जिसकी वजह से साउंड चेक में बहुत लंबा चले जाता है और क्षितिज जैसा होता है भैया खत्म कर दो ना भैया शादी शुरू होने वाली है सर क्या कर रहे हो तो इसमें इस चीज़ इन चीज़ों में वक्त लगता है बिकॉज इट्स न्यू देर इज़ नो प्रेसिडेंट कोई ऐसा कोई सेट स्टैंडर्ड वैसा प्रोटोकॉल नहीं है कि ये करो ये करो ये करो सब हर चीज़ में हर वेन्यू में हर शो में नए प्रॉब्लम्स आते हैं मोर देन नए सोल्यूशंस बट मज़ा आता है इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कुछ यूनिक सा है और जो भी सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये नहीं सुना है हमने इस तरीके का नहीं सुना है तो मेरी ये एंडेवर रहा है कि मतलब इट्स ऑलवेज बीन माय एफर्ट टू काइंड ऑफ डू समथिंग इस स्टाइल में और मेरे लाइव शोज के स्पेसिफिकली बिकॉज आई डू अ वेरी हाई एनर्जी लाइव बैंड विच इज़ इन दिस हाइब्रिड साउंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस दिस साउंड लाइव सो एवरी प्रोडक्शन दैट आई डू एवरी सॉन्ग दैट आई कम आउट विथ हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ दिस कलर विच इज़ वेरी यूनिक विच वॉट वी म्यूजिशियंस कॉल सिग्नेचर टोन तो बॉलीट्रॉनिका टेक्निकली इज माई सिग्नेचर टोन एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई अलॉन्ग विथ सेवरल स्टॉलवर्ड म्यूजिशियंस इन आर कंट्री हैव बीन क्रूसेडिंग दिस आई डिड दिस सॉन्ग कॉल्ड अडिपोली इन द साउथ ओके अडिपोली का मतलब होता है झकास ठीक है चंगा कि कैसे ये मलयालम में था ये केरल में मैंने रिलीज किया था तो ये गाने को मैंने मतलब जब बनाया था तो उसका एक अकुस्तिक वर्जन बनता है उसके बाद जाके उसका प्रोडक्शन बनता है जब ये बन गया था तो आई वॉज लकी इनाफ टू क्यूरेट दिस टर्म कॉल्ड मल्लू डबस्टेप तो उसके पहले मतलब यू नो उसके पहले ये मल्लू डबस्टेप हुआ नहीं था मतलब मेरे केरल में तो उस वजह से मतलब इस टोन और इस टेक्निकलिटी और इस यूनिक साउंड की वजह से मैं एक नेम एंड अ फेस बन गया वहाँ पे यू नो सो दैट वे इट मतलब मैंने इतना कुछ नहीं किया वहाँ पे मतलब मैं तो छोटू सा किया हूँ लेकिन जो किया हूँ उसकी वजह से मतलब लोग मुझे जानते हैं तो अच्छा लगता है पर हम इसी में खुश हैं भाई क्या बोले जो मेरा फील्ड है वो अलग है म्यूजिक से अलग है मेरी उतनी समझ नहीं है पर कहीं ना कहीं मुझे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो आपने जो चीजें बताई जो चीजें समझाई अगर उसका 10% 20% भी मैं समझ पाया तो मैं ये कहूंगा कि ये जो कक्षा के अंदर मैं बैठा हुआ विच क्लास आई एम सिटिंग हियर इट्स प्रूविंग टू बी सच अ ग्रेट एंड अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी दिस वन क्वेश्चन विच वी बीन गेटिंग सो अर्लियर वी वर हैविंग आकांक्षा पार्ट ऑफ द पैनल सो स्पेशली फॉर राइटिंग द कॉमेंट शी वेंट ऑफ द पैनल एंड शी रोट वन कॉमेंट एंड शी सेज दैट कैन यू टेक मी एज एन एक्ट्रेस इन योर नेक्स्ट एल्बम आकांक्षा सिंह हैज सेड दिस मतलब आप अगर हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि इस तरीके का लुक चाहिए और इस तरीके का एक्टर चाहिए तो उसके दो क्राइटेरिया होते हैं जिसमें एक होता है ऑडिशन दूसरा होता है बजट ठीक है पहले तो हम ऑडिशन करेंगे अब उस ऑडिशन में अगर ये आकांक्षा जी मतलब इसमें मतलब फ्लाइंग कलर्स में पास होती है तो नेक्स्ट चीज होगी आकांक्षा जी बजट इतना ही है आप आगे बताइए आप वुड यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट सिंपल सा है दो टू लेगेड क्राइटेरिया है ये जैसे पास हो जाता है आई वुड लव टू टेक एनीबॉडी हुज
credible enough and eligible enough for any of my music videos, or also if it, even if it is a Band of Boys videos, you know, we would like राग और रुद्र देश में अंतर पर भी टिप्पणी करो. क्या राग और राग द्वेष में अंतर पर भी टिप्पणी करे, इतना मैंने सीखा नहीं है सुनील जी. मेरे गुरुजन हैं, उनसे अगर मैं ये सवाल पूछूं तो पहले थप्पड़ मारेंगे मेरे को, बोलेंगे कि मतलब इतना सिखाए फिर भी नहीं सीखे. तो ये चीज़ शायद गौरव बहुत प्यार से समझा पाएंगे. ये पूछ रहे हैं राग और राग देश, शायद बोले देश राग में अंतर की. सुनील सुनील जी ना जी, इसकी एक स्पेशल क्लास चलेगी जो ये सेशन खत्म होने के बाद चलेगी. उसके लिए सबसे पहले आप मेरे मोबाइल नंबर पे मैं आपको एक छोटे से रिकॉर्डिंग अच्छा गौरव मेरे को दो मेरे को शैलिन मेरा तीन क्वेश्चन है. ठीक है, पहला ये कि उनके पास अभी टाइम, मैं जानता हूँ कि थोड़ा हमने टाइम ज्यादा ले लिया, हमने उनको आधे घंटा में बोला था, हमने उससे काफी ज्यादा ले लिया है. मैं लंबा लंबा सवाल देता हूँ. ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि उन्होंने अभी देवांग को सुना, देवांग की आवाज में उन्होंने अपना गाया हुआ गाना उनको कैसा लगा. देन दूसरा, शहरी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं शहरी भाई भी कह रहे थे कि मेरे को भी शरीन भैया के लिए परफॉर्म करना है, तो एक उनको मैं मौका देना चाहूँगा. फिर मैं चाहूँगा कि शरीन भैया बताए कि उनको कैसा लगा कि शहरी की आवाज़ कैसी है. उसके बाद शरीन भैया की जो मर्जी है फिर वो कर सकते हैं. चीज कहना चाहूंगा, सॉरी मैं किसी 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 एंगल से भी काबिल नहीं हूँ आप लोगों को जज करने के लिए. मैं ये बोल देता हूँ, ठीक है, आप अपने हद में अच्छे हैं, आप भी अपने हद में अच्छे हैं. ठीक है, हम में से कोई किसी को मतलब जज करने लायक है नहीं. ठीक है, आप इतना कर रहे हो कि मतलब आपने मतलब ये मेहनत कर ली और आपने कुछ गानों को जोड़ के मतलब उसमें मेरा गाना भी डाल दिया, इसी चीज़ पे मतलब मेरा सलाम है आपके लिए. थैंक यू शेरी जी. मैं आपको जानता नहीं हूँ तो मैं आपको कुछ सुनना चाहूंगा, प्लीज. फर्स्ट ऑफ ऑल दादा प्रणाम आपको, और साउथ केरला की धरती से एज वेल मुंबई आप हैं और समस्त बॉलीवुड के माध्यम से. बस फर्क यही है कि सभी कहीं ना कहीं आर्टिस्ट हैं, कुछ सुनते अच्छे हैं, कुछ गाते अच्छा हैं, और सभी कलाकार हैं, सुनने वाला सुनकार है, और उसमें से एक नाम आप हैं. एंड दैट्स रियली फ्रॉम एंटायर टीम ऑफ इवेंट हंकर्स एंड फ्रॉम माई टीम माई ऑल द आर्टिस्ट फ्रॉम उत्तराखंड, कि जब भी उत्तराखंड आए तो नाचीज को जरूर याद करें और बस इस संगीत के माध्यम से जुड़े हैं. और इसी जरिए से मैं क्षितिज से मिला हूं, हमारे छोटे भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं और एक कोशिश है कि कुछ भी मैं सुनाऊं तो वो आप तक पहुंचे. और लॉट्स ऑफ लव फॉर ऑल द व्यूअर्स, चाहे वो उत्तराखंड से जुड़े हों या ऑल अक्रॉस इंडिया जहां से भी लोग जुड़े हुए हैं. एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर देवांग, आकांक्षा और गौरव भाई हमारे, एंड स्पेशली शरीन बाजी, शरीन दादा आपके लिए. और बस नाम का थोड़ा सा मजा आ रहा है कि आगे SHE शेर की स्पेलिंग सेम है, बाकी आगे का हटा दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. आप कुछ सुनना चाहें, मैं ऐसा कुछ सुनाऊं क्या? आज ऐसा कुछ सोचा नहीं, बट था कि जो भी गाऊंगा मैं कोशिश करूंगा. बस ये आपके दिल से जो आप गाना चाहते हैं गाइए प्लीज. एक छोटी सी शेरी भाई, मैं छोटी सी कोशिश करूंगा. राग यमन में है, मुझे बड़ा अच्छा लगा राग की बात करी, मुझे बड़ा अच्छा लगा. और कुछ इनोवेटिव करने के बावजूद, रागों को लेकर चलना वो भी एक बार आप गाइएगा शरीन भैया के लिए. ठीक है, जो हम डेली एक परफॉर्म करते हैं. एंड द सेम वे हमारे छोटे भाई बहुत प्यारे गाते हैं, देवान हैं ये, मैडली आई विल ट्राई टू फाइंड द मेडली ऑफ द मेडली ऑफ जो आज के दौर क्षितिज मेरे घर जाने दा मेरे तने दा मदम पम गम पद पम गरे गम धनि रे सनि द प मदनि रे गरे सनि धनि रे सनि द मद मदनि गम गम धरे गरे ग पम गरे ग गरे सनि रे गम धनि रे सनि द प पम द पम गरे द चार चराग तेरे
बलन हमेशा। पंजवा में बालन आइया भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवन दा सखीशा बस कलंदर। हक दमा दम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी है, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवन दा सकीशा बस कलंदर। दमा दम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी है, लाल मेरी। और ये मैं क्विकली सुनाऊंगा आपको जो आज का ट्रेंड है, क्योंकि कई बार अक्सर लोग गजल सुनते हैं तो सोचते हैं शायद मैं गजल गाता हूँ, या भजन सुनते हैं तो सोचते हैं भजन गाता हूँ। तो आई विल ट्राई टू जस्ट मेक इट लिटिल बिट ऑफ चेंज इसमें मैं लेके आऊंगा। बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा, प्यार है तूने सबको ही दे दिया, मेरी भी आहों को, मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को मुझको वो दिला, मैंने जिसको है दिल दिया, आसमां पे आसमां मुझको दे इतना बता, कि वो जो मुझे देख कर हंसे, के पाना चाहूं रात दिन जिसे, ओ रब्बा मेरे नाप कर उसे, तेनु दिल दा वास्ता सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें, और नींदों में सपने, कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से, आजा जमी पे और मिल जा कहीं पे, मिल जा कहीं हो, मिल जा कहीं समय से परे, समय से परे, तू भी कभी मेरी अखियों से अखियों की सुन, कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 से होंदे ना पास ले, ये नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोने सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला। ये पूरी टीम के लिए है, स्पेशली फॉर यू दादा। करांगे नाल नाल बैके सच्चिया मोहब्बत निभा के दिल दिया गल्ला, करांगे रोज रोज बैके सच्चिया मोहब्बत निभा के, मैं तैनु समझावा के ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, के दिल तू यो जान मेरी। फॉर क्षितिज एंड एंटायर टीम, और आपने इतने प्यार से सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। So that's a song, आपने बहुत अच्छे प्यार से गाया from the Lagaan movie, and it's for all the viewers, especially we are like we can't say just thanks to all our artists, जो इतने soulful artists हम सभी से जोड़ रहे हैं और अपना समय दे रहे हैं, that is
शेरिन दादा, इवन लाइक वी हैव पंकज बैरी सर यस्टरडे, और आगे जितने भी आर्टिस्ट जुड़े हैं, जितनी ऑडियंस जुड़ी है. सो दिस वन वी आर डेडिकेटिंग टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज यू ऑल आर द रियल हीरोज हु आर सिटिंग होम एंड लिसनिंग टू ऑल ऑफ अस. हर संत कहे साधु कहे, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे. आ जा रे भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थके ना तेरा ये तन हो. आ जा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो. तू आ जा रे इस धरती का है राजा, तू ये बात जान ले. तू कठिनाई से टकरा जा, तू नहीं हार मान ले. तू मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है अपना अंबर है रे. ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है अपना अंबर है रे. तू आ जा रे. थैंक यू सो मच शरीन दादा, थैंक यू टू ऑल माय टीम. Thank you. Thank you're you. Amazing, you're amazing as always. शरीन बाजी, मैं एक शरीन बाजी ने अभी एक गाना गाया. शेरिन सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डिड यू एंजॉय योर दिस वन सॉन्ग? दिस इज एक्चुअली एन ऑडियंस फेवरेट. आप क्या पूछे, फिर से पूछेंगे? आवाज कट रही. शेरिन सर, आपको कैसा लगा जो मितवा सॉन्ग अभी शेरी पाजी ने परफॉर्म किया यहाँ पर? बढ़िया है, बढ़िया है. दोनों सख्त बुलंद आवाजें हैं यहाँ पे, देवांग और शेरी जी. तो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत तैयार गाते हैं. इनको सवाल इनको पूछना चाहिए, वो जो सुनील जी ने जो पूछा सवाल, ये राग देश की चला जरा उनको सिखाइए. राग में ये जो सुनील जी ने पूछा था ना, ये स्पेशली ये शहरी भाई से ही पूछा था. वो एक्चुअली आपने पढ़ लिया, बट वो शहरी भाई से पूछा था. तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है. गौरव, मेरे यहाँ से बहुत ग्लिचेस आ रहे हैं. अच्छा गौरव, गौरव यहाँ पे आकांक्षा जुड़ चुकी है. मैं चाहूंगा कि एक बार आप तीनों एक बार बात करें. शरीन, शरीन भैया, आप और आकांक्षा, हम लोग यहाँ से एक बार के लिए हट रहे हैं. एक बार आप तीनों बात करिए. जी बिल्कुल. सो अभी हम तीन हैं यहाँ पर, आकांक्षा आकांक्षा शेरिन सर, शेरिन सर, और एक मैं प्यारा सा बच्चा. फाइंड कि वो बहुत इंस्पिरेशनल है, नॉट फॉर ओनली आर्टिस्ट, बस उनकी फैमिली के लिए भी. और वो वीडियो में आपने कन्फेस किया था कि आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट शो था, और वो एग्जैक्टली उसी डे पे था जब आपकी सिस्टर की वेडिंग थी. So, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपने अपलोड किया था, बट वो बहुत इंस्पिरेशनल था, सिर्फ आर्टिस्ट के लिए नहीं, उनकी फैमिली के लिए भी. रिक्वेस्ट ही कि आप जरूर शेयर करें, रिक्वेस्ट ही कि आप जरूर शेयर करें वो, बिकॉज वो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो आपका सवाल क्या है कि सवाल कैसे हुआ? मैं चाहूंगी कि आप उसके साथ भी शेयर करें, शेयर करें. तो हुआ यूं कि हुआ यूं कि हुआ यूं कि हुआ यूं कि शैन भैया, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट.
आकांक्षा आप जब भी बोलो ना उसके बाद अपना माइक म्यूट कर दिया करो। तो हुआ यूं कि तो हुआ हुआ 2000 की बात है ये, ठीक है, 2003 की बात है। एक मिनट, मेरी बहन की शादी का समवेयर जस्ट इमीडिएटली आफ्टर बैंड बॉयज हैड जस्ट फॉर्म्ड, फर्स्ट एल्बम हैड जस्ट कम आउट, ठीक है, एंड ये भी वो भी फुल रनअवे हिट, 500,000 एल्बम्स, और दलेर पाजी को हम लोग टफ दे रहे हैं, ठीक है, 500,000 यूनिट बिक गई है, हम लोग को मतलब दुनिया भर के लोग हमको बुला रहे हैं यहाँ वहाँ शो वो करने के लिए। दिसंबर का महीना था एंड सम पीपल हैड कम फ्रॉम गुवाहाटी टू टेक एन वीडियो बाइट, जो ऑर्गेनाइजर थे कि वी आर अ बैंड ऑफ बॉयज एंड हमको बोला था हाय वी आर बैंड ऑफ बॉयज एंड वी सी यू ऑन सो एंड सो डेट एट सो एंड सो स्टेडियम एंड वी शैल कम टू रॉक यू देयर। अब मेरी वाइफ भी आई हुई थी और उन्होंने ये डेट सुना तो उन्होंने बोला बेबी ये तो शेल्बी की शादी का डेट है। माई वर्ल्ड केम क्रैशिंग, और ये उस टाइम पे था जब शोज है ना, मतलब इसी के लिए आप मतलब पूरी जिंदगी में मतलब आप आपका जो प्रयास रियाज जो भी होता है इसी के लिए होता है, और मेरे पेट के साथ चार और लोगों के पेट भी जुड़े हुए हैं, इतना बड़ा एक टीम है, यू नो हम लोग सब उसकी तैयारी कर रहे हैं, सोचिए आप, मतलब मैं पूरी तैयारी लगाऊँ, पूरा पूरे पार्ट्स वार्ट्स बगे, ये दो लाइन तू गाएगा, दो लाइन तू गाएगा, दो लाइन मैं गाऊंगा, यहाँ ये कोरियोग्राफी, ये पूरे हम सेट कर चुके हैं, और मुझे फिर भी थैंक यू मुझे फिर भी ये सुझा नहीं कि मतलब ये जो डेट है, मैं इतना मग्न था इसमें कि मुझे समझा नहीं कि ये मेरी बहन की शादी का डेट है। अब मैं एकदम धर्म संकट में पड़ गया, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू डू। द फर्स्ट रिएक्शन वाज नो नो आई कांट बी, आई हैव टू बी दिस, माय ओनली सिस्टर है, एंड दिस नॉर्थ ईस्ट मार्केट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, बिकॉज आप एक देखिए जो भी शोज करते हैं ना, जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी शोज करते हैं, ये जानते हैं आप वर्ल्ड टूर ना लाइफ में सिर्फ एक दो बार मार पाते हो, यू अंडरस्टैंड, यू गो वंस और ट्वाइस, ओके, वो एक सर्किट होता है, मतलब एक वेडिंग सर्किट होता है, एक यू नो एक शो सर्किट होता है, जिसमें आप मतलब कोई आर्टिस्ट को ऐसा हर बार क्या बोलते हैं इसको रिविजिट नहीं करते हैं इतना, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज एवरी डे देर इज अ न्यू आर्टिस्ट दैट कम्स आउट, राइट। तो अभी नॉर्थ ईस्ट में अगर मैं फुल शो करने नहीं जाऊँ बैंड बॉयज और मेरे वजह से ये शो कैंसिल हो जाए तो आई डोंट नो व्हाट टू डू। बट माई सिस्टर वॉज वेरी लार्ज हार्टेड, शी हर्ड दैट आई हैड दिस प्रॉब्लम and before I could tell her like no Bhena I will not do the show, she can bhaiya don't worry you go do the show and we will take it from there. तो मैं उसमें एकदम पिघल गया यार, I mean I didn't know what to do, and ये जो show कर रहे थे हम लोग, this was वो ब्रह्मपुत्र का एक मतलब ऐसा एक receding point है, conclave point है वहाँ पे जहाँ पे ये hotel था, और वो hotel exactly उस ब्रह्मपुत्र के वहाँ पे था, वो मतलब उस river को मैं contribute कर रहा था ऐसा show के बाद, रो धो के मैं तो बहन को मैं फोन किए जा रहा हूँ, तो बोले डोंट वरी भाई आप, एंड आई डोंट वांट टू डू, आई मीन दिस, और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक थप्पड़ था कि तूने अपने फैमिली को मतलब अपने काम से छोटा कर दिया, और ये मेरे पास हमेशा से एक ऐसा एक ब्लैक मार्क रहा है। मेरी बहन कुछ नहीं बोली है, माइंड यू शी इज नेवर मेंशनड इट, शी इज नेवर सेड एनीथिंग अबाउट इट, नन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स हैज सेड इट, बिकॉज इट वाज नॉट द मनी, इट वाज जस्ट दैट देयर वाज सो मच ऑन दैट, यू नो, एंड आई डिडंट, एंड I wish I had done it differently at that time, or wish I could have done it differently. शायद मेरे में वो maturity थी नहीं तभी, शायद मेरे में वो capacity थी नहीं, I didn't know how to think broader. Obviously, if अगर इसी वक्त ये situation होता या इस उम्र में ये situation होता तो I would probably react differently to it. But ऐसा एक हो गया और वो मेरे लिए एक ऐसा एक redemption बोलते हैं ना कि मतलब इस चीज़ को मैं कैसे कैसे तो इसको करेक्ट करूँ, कभी ना कभी तो करेक्ट करूँ, और मेरे को एक बीच में एक मौका मिल गया था जहाँ पे मेरी बहन को मैंने एक साड़ी दे दिया तो दैट इज़ व्हाट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट, वेयर दीज पीपल हु हैव डन दैट वंडरफुल, यू नो, देर अ कंपनी विच डज हैंडमेड ट्रेडिशनल साड़ीज, एंड माय वाइफ, सॉरी माय सिस्टर इज़ अ वेरी गॉर्जियस वुमन, राइट, वो दो बच्चों की माँ लगती नहीं है, ठीक है, और वो मतलब उसको साड़ी वाड़ी बहुत पसंद है, साड़ी में बहुत हॉट लगती हैं, ठीक है, तो भैया ने उसको आज तक कभी साड़ी दिया नहीं है, तो इस कंपनी ने मुझे मतलब ऐसा, you know, they gave me something to say, is there something that you would like to do for your family members, and ye mere ko fir peta ki acha ye main kar sakta hu, so that was that video. I'm really touched, Akanksha, that you asked me this question because it is something which I have come to terms with after a very long time, so thank you. सर सच्चे पे सत्ता एक मैं मारना चाहूंगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको ये सिचुएशन को लेके सपने अभी भी आते हैं क्या, लाइक यू इफ आई कुड हैव डन एनीथिंग डिफरेंटली,
ऐसे सपने आते हैं क्योंकि अगर दिमाग में कोई ऐसी चीज रह जाती है जो हम करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं, तो उसके वजह से कुछ सपने आते रहते हैं हमें। मतलब मुझे कभी कभी ऐसे सपने आते हैं कि मैं वो वाला एग्जाम दोबारा लिख रहा हूँ क्योंकि फेल हो गया ना, तो मेरे को अभी भी सपने आते हैं। सर, हैज दिस हैपेंड टू यू? Have you ever dreamt about the situation? So it is a regret in my life, and that correction is what I recently got a chance to do, you know, with kind of like coming to do a closure sa mil gaya mere ko us cheez pe. So this regret is abhi ab to nahi aata hai matlab, but har bar jab matlab agar main thoda if I was to say like, you know, whenever I'm attending my cousin's weddings, you know, which abhi I'm the oldest in amongst my cousins एंड मेरे नीचे बहुत सारे बच्चे हैं, तो तभी उनकी शादियों में जब जाता हूँ तो एक बार कभी ना कभी ऐसा खटकता है, तो दैट वंस इज इनफ, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। गौरव, आई थिंक हमने काफी टाइम ले लिया शरीन भैया का, तो अब आई थिंक हमें उनको सी ऑफ करना चाहिए। आप उनके एक्सप्रेशन देख सकते हो, अब उनको नींद आ रही है। बिल्कुल भाई माफ कर दो, मुझे नहीं पता मैंने किस घड़ी में तुम्हें हाँ बोला, मुझे नहीं पता यार तुमने इतनी देर से हमें रोका हुआ है। बट शरीन सर, इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई वुड बी स्पीकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द ऑडियंस मेंबर्स एंड ईच एंड एवरी पैनलिस्ट हु इज प्रेजेंट हियर, दैट इट वाज अ ग्रेट ग्रेट सेशन। वी एंजॉयड अ ग्रेट डील द वे यू शेयर्ड योर लाइफ इंसिडेंट्स विद अस, द ट्रिविया यू गेव अबाउट द बैंड एंड योर एक्सपीरियंसेस व्हाइल the band was formed, and how challenging and not so challenging was it for you people, because you people are so very talented, you didn't find it as a challenge, otherwise many other people would have been devastated by the challenges you faced during that time. So it was very nice and a phenomenal experience for me and all the panelists, those who are present here on Lockdown Fusion. Thank you very much for being here with us. Thanks a lot for being so very jovial and being a rock star that you are and answering all the questions from our side. Thank you, and please have a great night and enjoy with your family. Stay home and stay safe. Thank you, Gaurav. Thank you, Akanksha. Thank you, Sheriji. Thank you, Devang. God bless all of you. Thank you, Shitij. Have a good night. So, mere pyare dosto, ab yahan par is Lockdown Fusion mein शेरिन वर्गीस जा चुके हैं अपने फैमिली मेंबर्स के पास में। अब वो घर में अपने और हम यहाँ पर हैं। अब रुक जा, बहुत बोल लिया, इतनी देर से बोलता जा रहा है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि यार इसकी हिम्मत कैसे हुई आकांक्षा की ऐसा क्वेश्चन इसने पूछा शेरिन भैया से। इसने एक क्वेश्चन पूछा था अभी, मालूम है? एक अच्छा एग्जैक्टली। अच्छा देवांग, हाँ जी यार, इतने दिन से गायब थे यार, कुछ हो जाए, शेरी भाई मिस कर रहे थे तुम्हें पता है। जब हम में से कोई भी बोल रहा हो सो प्लीज आप म्यूट जरूर कर दें, क्योंकि सबसे ज्यादा रिवर्ट आई कैन नोटिस दैट फ्रॉम योर साइड। एंड गौरव प्लीज, आप कुछ बोल रहे थे वो आप बताइए। मैं क्या कह रहा था भाई, ये तो मेरे दिमाग से अभी उतर गया, मैं तब बोल गया यार। अच्छा, मैं शायद ये कह रहा था कि अभी हम लोग की बातचीत चल रही थी, और क्योंकि जो हमारे इस प्रोग्राम की आज के लॉकडाउन फ्यूजन एपिसोड 12 की जो थीम है, दैट इज मेरा भारत मेरी शान, सो व्हाई डोंट यू सिंग अ सॉन्ग व्हिच इज बेस्ड ऑन इंडिया और समवेयर इज रिलेटेड टू इंडिया एंड हाउ ग्रेट आवर कंट्री इज, एनीथिंग व्हिच इज एन ओड टू आवर ग्रेट नेशन इंडिया। For sure. I'd love to sing one song for that. And meri ek cousin hai, she's from Hyderabad and she has been attending our sessions very regularly. Her name is Harita Joshi. So unhone ek gana thodi der pehle request kiya tha. So I would love to sing that song for all of us over here. And itna prepared nahi hai, but then I'll try my level best to sing this one. Aur Sheri Baji, very, very good evening. Very, very nice to see you again.
एंड जो आपके पीछे वो जो बंदा है वो बहुत देर से हमें घूर रहा है तो हमें अजीब सा लग रहा है. जस्ट किडिंग पाजी, ऑल गुड. ऑल राइट, आई कैन चेंज दैट बंदा एनी पॉइंट ऑफ टाइम. आई हैव द पावर ऑफ चेंजिंग हियर. नाउ इट्स फाइन, ओनली वन बंदा, दैट इज योर ओनली सर. एक बार सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज माइक्स म्यूट कर दीजिए. एंड शरीफा जी, आप अपने घर में जरूर मेरे साथ ये गाइए, मेरे साथ मेरा साथ दीजिए इस गाने में. थैंक यू. सुनो घर से दुनिया वालों, बड़ी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी. हमने कहा आओ फिर चिल्कुर गैंग बोले, अब तो यार अपना जहां है सबसे प्यारा, अब तो यार अपना जहां है सबसे प्यारा, जहां है सबसे प्यारा. हमने कहा है जो तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. भारत माता की जय. ये बात गौरव. सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है. हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है. So, सभी को सलाम करते हैं इस देश के नाम, और सभी हमारे भारतवासी हो चाहे पूरी दुनिया हो, एक मैसेज जाता है इंडिया से दैट वी ऑल विल विन विद ऑल दिस टाइम. जब जीरो ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई. देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था. सभ्यता जहां पहले आई, जहां जन्मी पहले है कला. अपना अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा. यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले. चुप क्यों हो गए, गाओ तो देवांग साथ में हो जाए अभी. इस देश में बड़ी खूबसूरत बात है, सुनिएगा. जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है.
जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, जहां राम अभी तक नर में है, नारी में अभी तक सीता है, इतने पावन हैं लोग यहाँ, इतने पावन हैं लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, दुनिया की बात बताता हूँ। और इस वक्त दुनिया लोहा मान रही है अपने देश का, सो हैट्स ऑफ टू ऑल एंटायर टीम। अच्छा मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैंने और आकांक्षा, आई थिंक हम दोनों ने आप दोनों के गाने मिस कर दिए, तो एक लास्ट बात, दोनों देवांग और अपना शहरी भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों एक एक गाने इंडिया से रिलेटेड अच्छे अच्छे, चाहे आप दोबारा गा लो, बट एक एक गाना हो जाए। हाँ जी, मेरी एक स्पेशल डिमांड होगी जो मैं सोच के रख रही हूँ, तो फिलहाल जब हम खत्म करेंगे तो वो डिमांड मैं पेश करूंगी, जाहिर करूंगी सामने। ओके, सो देवपाजी अगर आप अलाउ करें एक गाना छोटा सा मैं गाना चाहूंगा, वो है बी प्राक का गाना है, एंड बहुत ही प्यारा गाना है, कोशिश करूंगा कि आपको पसंद आए। इनका नेटवर्क, अरे मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौगंध, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे रहे न रहे, ओ ओ ओ ओ ओ ओ आकांक्षा, आई थिंक देवांग को जाना पड़ेगा, शायद देवांग का अगला कोई सेशन है, तो आई थिंक हमें देवांग को सी ऑफ कर देना चाहिए आज के लिए, अब जल्द मिलते हैं फिर उससे। ओके,
Thank you very much, Devang, हमारे साथ जुड़ने के लिए. It was lovely time. Hope to see you again very soon with us. So thank you very much for joining. For enjoying with us. Thank you so much, Sharipaji, for joining us. Thank you so much, Chitij, for giving us an opportunity to share the screen with Sharin Paji from Band of Boys. And to all our viewers for tonight, thank you so much for joining us. Aap logo ko bahut bahut shukriya karte hain hum sab. Aur isi ke saath main alvida lena chahunga. Thank you so much, guys. Have a good night. Be safe, be home, and stay healthy. Good night, guys. Bye bye. Thank you very much. Thank you. ओके शेरी भाई आपका नेटवर्क आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है. क्या सुनाऊं आपका नेटवर्क आपकी स्क्रीन प्रॉपर नहीं आ रही है. अब सही आ रहा है? नेटवर्क बहुत ज्यादा इशू कर रहा. अब सही आ रहा है? नहीं अभी भी दिक्कत आ रही है. आपके लिए ही है. आकांक्षा जी की भी तो कुछ आकांक्षा हो सकती है. बताओ बताइए. तो शेरी भाई एक आखिरी गाना हो जाए. शेरी भाई एक आखिरी सॉन्ग हो जाए आपकी तरफ से, देन फिर हम साइन ऑफ करते हैं आज के लिए. ठीक है. कल का टाइमिंग वही 6:30 सेम. लेट करते हैं ना. कल का क्या है अपना? कल का ऐसा कुछ खास नहीं है, बट लेट्स चलो ठीक है 7:00 करते हैं. मैं चाह रहा हूँ कल से मतलब थोड़ा टाइमिंग लेट करके हम उसको मेंशन कर देंगे. तो फिर क्या ना वो आगे का जो टाइम है वो थोड़ा सा. चलो वी विल टॉक ओवर द फोन ओनली. ठीक है हम फोन पे बात करते हैं. टिल देन जब तक आप एक बार गाना हो जाए. ओके पैट्रियोटिक सॉन्ग सुनेंगे आप. तो मैं सुना रहा था मैं आपको. शेरी भाई अब जैसे आज हमने थीम रखी है हमारा इंडिया. ठीक है तो सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा. हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा सारे जहां से अच्छा. दोस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा. हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा सारे जहां से अच्छा. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा सारे जहां से अच्छा. ऐ वतन मेरे आबाद रहे तू. ऐ वतन मेरे वतन आबाद रहे तू. मैं जहां में भी रहूं याद रहे तू. ऐ वतन मेरे वतन. ऐ वतन मेरे वतन. So, जय हिंद जय भारत सभी को सलाम. ओके आकांक्षा ओवर टू यू.
चलिए बहुत मजा आया आज का, आज बहुत स्पेशल हमारे गेस्ट के साथ साथ भी हमारा साथ दिया, थैंक यू वेरी मच वेरी मच। होप हम कल सभी से मिलेंगे और आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, और आज की तरह ही हम कल कुछ इंटरेस्टिंग लाएंगे। हर दिन हम कोशिश कर रहे हैं हमारी पूरी टीम कि हम डेली आपके साथ रूबरू हो और कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ धमाकेदार आप सभी के लिए लाते रहे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा रोजाना इसी वक्त और इसी इतना ही ढेर सारे प्यार के साथ। तो फिलहाल अभी हम सभी आपसे अलविदा लेंगे और चलेंगे। चल स्टे एट योर होम्स, बाहर ना निकले, अपनी सेहत का ध्यान रखें और पेट्स का स्पेशली इस वक्त ध्यान रखें। बहुत ही मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं, तो प्लीज आपके आसपास जो भी पेट्स हैं या आपके घर में जो पेट्स हैं उनका खास तौर से ध्यान रखें, बिकॉज दे ओनली नीड लव। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच शेरी सर, कितेज ज्वाइनिंग अस, सी यू, कल मिलते हैं फिर मुलाकात।